इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में कि एक्सटर्नल सेक्टर वाय क्षेत्र और अगर हम पिछले पाँच सात सालों के क्वेश्चन का लेखा जोखा रखें तो आप ऐसा देखोगे कि एक्सटर्नल सेक्टर से आपको दो तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन वो पूछते हैं पूछ रहे हैं लगातार आई एम एफ डब्ल्यू टी ओ इन सबसे जुड़े शब्दावली सब इत्यादि पर और एक आध क्वेश्चन आपको बल्कि पिछले दो तीन सालों में तो दो दो तीन दिन क्वेश्चन मिले हैं विनिमय दर से संबंधित कि विनिमय दर को आप कितना समझते हैं उसके क्या घटक हैं और वाय पूरा वाय क्षेत्र का ताना बाना कैसा है उसके बारे में आप कितना जानते हैं क्या विवरण है इन सब चीज़ों पर मेन्स पर आप देख रहे हो लगातार सवाल आते रहे हालांकि फिलहाल आज की श्रृंखला तो हम मुख्य रूप से प्रम्स एग्जामिनेशन के लिए रख रहे हैं तो अगर हम एक्सटर्नल क्षेत्र की बात करें जिसको आप भुगतान संतुलन के रूप में भी देखते हो तो क्या क्या इसमें पहले बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा बात करें कि आपको पता होना चाहिए पहले भुगतान संतुलन क्या होता है उसके विभिन्न घटक क्या होते हैं घटकों में हमारी स्थिति कैसी है उसके क्या कारण हैं क्या संभव निवारण है फिर थोड़ा समझेंगे विनिमय दर इत्यादि के बारे में रुपये की परिवर्तनता क्या है इत्यादि इत्यादि चीज़ें देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ ऐसा संभव नहीं है कि आप बाहर से कोई लेन देन ना करें बहुत कम ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से अपने आप में क्लोज या बंद अर्थव्यवस्थाएं मतलब वो बाहर से कोई लेन देन नहीं करती क्योंकि आज के विश्व में आज की आर्थिक गतिविधियों में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो जो हमें दूसरों पर निर्भर भी बनाती हैं और साथ ही हमें ये मौका भी देती हैं कि हम दूसरों को अपने उत्पाद बेच के अपनी आर्थिक तरक्की कर सकें अब जब इंडिया की बात करें तो हमारे पूरे उद्योग जगत का जो आधार है ऊर्जा उसका अधिकांश हिस्सा कच्चा तेल है कच्चा तेल हमारे यहाँ होता नहीं है अब ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जो कुल आवश्यकता है कच्चे तेल की उसका लगभग पचासी परसेंट हम बाहर से मंगाते हैं तो उसका मतलब हमें निर्यात करना हमारी आयात करना मजबूरी हो जाती है साथ में हम बहुत सारी चीज़ें बहुत जगहों पर निर्यात भी कर रहे हैं तो ये सब कुछ बताता है भुगतान संतुलन में हम इसका ताना बाना रखते हैं पर भुगतान संतुलन पर आने से पहले पूरे वैश्विक क्षेत्र को या विश्व अर्थव्यवस्था को एक जगह पर समझने के लिए एक घटना की बात करना ज़रूरी है उस घटना के बात किए बिना बहुत बातें अधूरी रहेंगी कहें वहाँ से ही कहानी शुरू होती है अगर हम आधुनिक समय में बात करें विश्व व्यापार की तो विश्व व्यापार उन्नीस सौ के दशक में देखा जा सकता है तेज़ी से बढ़ा क्योंकि तो सुविधाएं बढ़ी, आप माल ढुलाई तेज़ी से हो सकती थी मशीनस आ गईं हवाई जहाज़ वग़ैरह आ गए पानी के जहाज़ बन गए यू नो ये सब तेज़ी से होने लगा था इसलिए कोई ताजुब नहीं कि पिछले हज़ार वर्षों का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कोई कहा जाता है तो कहा जाता है कि हमने गति पर नियंत्रण पा लिया था अब आप डिसाइड करते हो स्पीड पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं पिछले हजार वर्षों में सबसे बड़े दो अचीवमेंट में कहा गया एक तो कि हमने गति पर नियंत्रण किया अब हम अपनी हिसाब से स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी तेज चलना है सोचिए अब तो आप चांद पे भी जा सकते हैं चांद पे जा रहे हैं आप जो है मार्स पे जाने की सोच रहे हैं तो गति पे आपने नियंत्रण किया ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट था इसीलिए आप पहिए को इतिहास में बहुत बड़ा आविष्कार मानते हो क्योंकि आप पैर से कितना दूर जा सकते थे लेकिन पहिए की वजह से अब आप कितनी भी दूर जा सकते हैं तो पैर से कितना दूर जा सकते थे और पहिए से कितना दूर जा सकते हैं वो आपके ऊपर है कि अब कहाँ तक और दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है प्रिंटिंग प्रेस का बनना प्रिंटिंग प्रेस का बनना क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बनने के बाद बड़े बड़े दस्तावेज छप सकते थे एक दूसरे से संवाद बड़े लेवल पे हो सकता है जिसको आप मास कम्युनिकेशन बोलते हो कहा जाता है कि ये संवाद जितना तेज़ हुआ विश्व व्यापार भी उतना तेज़ हुआ एक दूसरे से बात कर पाना एक दूसरे से संवाद कर पाना तो इसलिए 1930 के दशक में 20, 30, 40 तक आते आते विश्व व्यापार तेजी से होने लगा था इसी बीच विश्वयुद्ध भी हुए थे और यही वजह है कि 1944 में एक बड़ी घटना हुई थी अपने आप में उसको बड़ा घटनाक्रम मानते हैं आप जानते हो उसके बारे में उससे कहा गया ब्रिटेन वुड्स अधिवेशन ब्रिटेन वुड्स अधिवेशन में तीन चार बातें कही गई एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण ये था कि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं विश्व बहुत सारी जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएँ थी छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं वो चौपट हो गई थी विश्व युद्ध के चलते वर्ल्ड वॉर ने उन सभी अर्थव्यवस्थाओं को लगभग चौपट कर दिया था तो एक सवाल इस बात पे था कि इन अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पे कैसे लाया जाए क्या ऐसा किया जाए कि अर्थव्यवस्थाएँ दोबारा पटरी पर आएँ और किसी भी अर्थव्यवस्था का एक चक्र होता है जिसको हम अर्थव्यवस्था का सुचक्र कहते हैं सुचक्र क्या कहता है आपके पास कुछ आय का स्रोत होता है आप उससे निवेश करते हो और आय बनाते हो और निवेश करते हो और आय बनाते हो और इस प्रकार से एक सुचक्र चलता है अगर आपके पास अपनी आय के स्रोत है ही नहीं हैं तो क्या करेंगे विकल्प ये कहता है कि आप बाहर से पूंजी लाइए बाहर से पूंजी लाइए अपने आय के स्रोत बनाइए निवेश ज़्यादा करिए और आय का स्रोत बनाइए जो बाहर से पूंजी लाए थे उसको धीरे धीरे ख़त्म करिए और इस प्रकार से अपने चक्र को चलाइए इसी सोच में इसको पॉपुलर किया था दो लोगों ने उस जमाने में 1940 में जिसे हेरोड और डॉमर कहते हैं हेरोड और डोमर दो अलग अलग अर्थशास्त्री कम मैथमेटिशियन उन्होंने ये मॉडल दिया था और उसी तर्ज पर ब्रिटेन वुड्स अधिवेशन में ये बात कही गई कि एक संस्था बनाई जाए ऐसी जो इन देशों को कर्जा दिए जो कमज़ोर अर्थव्यवस्थाएं वाली हैं जो अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हैं उनको कर्जा दिया जाए और उस कर्जे का प्रयोग करके वो अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ सकें यहीं से वर्ल्ड बैंक की बात शुरू हुई पर एक और समस्या भी थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा भी एक बड़ा निर्णायक रोल प्ले करती है जैसे कि मान लीजिए एक देश है इंडिया एक देश है चाइना अब इंडिया का कोई व्यक्ति चाइना में कोई चीज़ खरीदने जाता है तो इंडिया की मुद्रा तो वहाँ काम आएगी नहीं हो सकता है उसके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन उसके पास चूंकि रनमिन भी नहीं है चाइना की मुद्रा नहीं तो वहाँ खरीद बेच नहीं सकता कुछ वहाँ कुछ खरीद बेच नहीं पाएगा इसका उल्टा भी है कि चाइना वाला इंडिया में कुछ खरीद बेच नहीं सकता तो आयात निर्यात या लेन देन के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि या तो हम दोनों एक दूसरे की मुद्रा को स्वीकारें या कोई तीसरी चीज़ या कोई तीसरी मुद्रा हो जिसको ये दोनों स्वीकारें अब या तो आपको ऐसी चीज जैसे सोना इसलिए पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो 1920-30 के दशक से पहले सोना वैश्विक स्तर इस पर इस्तेमाल किया जाता था लोग एक दूसरे के यहाँ सोना ले जाके चीजें खरीद लाते थे या तो फिर कोई तीसरी मुद्रा हो अच्छा तीसरी मुद्रा या भारत की मुद्रा चाइना कब एक्सेप्ट करेगा चाइना की मुद्रा भारत कब एक्सेप्ट करेगा या दोनों किसी तीसरी मुद्रा को तब एक्सेप्ट करेंगे जब वो मुद्रा जो हम मुझे आपसे मिली उसका मैं इस्तेमाल कहीं क्योंकि मुद्रा है किस लिए विनिमय के लिए तो आपने जो मुद्रा दी अगर मैं उससे आगे विनिमय नहीं कर पाऊंगा तो मैं उस मुद्रा को लूंगा क्यों तो इसलिए बहुत जरूरी था कि मुद्रा बाधक ना बने ऐसे में यह समझा गया एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो एक तो ये सुनिश्चित करे कि मुद्रा बाधक ना बने लोगों के बीच में व्यापार के बीच में और इसका विकल्प कैसे हो सकता है कि हर देश अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी मुद्रा वहां जमा कर दे और जब भी किसी को किसी और देश की मुद्रा की जरूरत हो वहां से मिल जाए या एक तीसरी कॉमन मुद्रा मिल जाए यही पूरा उद्देश्य था कि क्यों ब्रेटन वुड्स में आईएमएफ बनाया गया इसलिए आप जानते हो कि आईएमएफ में दो संस्थान बने एक को नाम दिया आपने आईबीआरडी जो आगे चल के वर्ल्ड बैंक बना और एक को नाम दिया आईएमएफ इन दोनों को आप ट्विन ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हो क्योंकि ब्रिटेन वुड्स में इस दोनों साथ में आए ब्रिटेन वुड्स में ही एक बात और भी समझ में आई कि इन सब चीजों का फिर ब्यौरा रखना चाहिए हर देश को कि बाकी देशों से कितना मुद्राओं का लेन हो रहा है उनका उनका ट्रांजेक्शन बाकी दुनिया से कितना है और आई एम एफ इसके नियम बनाए ये पूरा जो ब्योरा है कि किसी एक देश का बाकी देशों से कितना लेन देन है कितना ट्रांजेक्शन है इसी ब्योरे को आप भुगतान संतुलन बोलते हो सो so भुगतान संतुलन क्या है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड नहीं रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन की कितना पैसा लेन देन हो रहा है एक देश का बाकी विश्व के साथ बाकी विश्व के साथ कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अगर एक देश पैसा दे रहा है तो दूसरा देश पैसा प्राप्त कर रहा है ऐसे ही एक देश पैसा प्राप्त कर रहा है तो कोई दे रहा है इसलिए पूरे दुनिया का भुगतान संतुलन जीरो रहेगा क्योंकि किसी के अकाउंट से अगर डेबिट हुआ तो कहीं क्रेडिट हो रहा होगा कहीं क्रेडिट हुआ तो कहीं डेबिट हो रहा होगा तो इस तरह से भुगतान संतुलन की परिकल्पना कौन दे आईएमएफ दे अच्छा ब्रिटेन वुड्स में एक तीसरी बात भी कही गई थी उसकी भी थोड़ा बात कर लेते हैं ब्रिटेन वुड्स में ये भी कहा गया कि एक ऐसी संस्था भी बने एक ऐसी संस्था भी बने जो ये सुनिश्चित करे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अंतर्गत हो और अनावश्यक एक देश दूसरे देश पे बाधाएं ना बनाए व्यापार में यहीं से कंसेप्ट आया उस समय हालांकि हम नहीं बना पाए आगे चलकर उन्नीस में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड या गैट का गठन किया गया जो आगे चल के WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ एक्सटर्नल सेक्टर में हम इन सब चीजों की बात करते हैं अब जाहिर सी बात है एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में अगर परिवर्तन करना है तो एक मुद्रा की एक यूनिट के लिए दूसरी मुद्रा की कितनी यूनिट चाहिए इसको आप कहोगे कि ये मुद्राओं के बीच का विनिमय दर है 1940 के दशक में 1944 में विशेषकर जब ये आईएमएफ बन गया डब्लू की बात होने लगी थी अब जो आगे चल के उन्नीस सौ बना आई बन गया था उन दिनों एक मुद्रा ऐसी थी पूरी दुनिया में जिसकी स्वीकारता थी दो कारणों से एक कारण तो ये था कि वो मुद्रा सबसे भरोसेमंद मुद्रा थी क्योंकि उस मुद्रा ने यह कहा था कि हम एक डॉलर तभी छापेंगे जब हम दसमलव आठ आठ ग्राम सोना अपनी तिजोरी में रखेंगे मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकी डॉलर की और ये अमेरिकी डॉलर सभी तेल वाली कंपनियां तेल से जुड़ी जितनी भी कंपनियां थी जो तेल निकाल जो है कच्चे तेल का आ, का जो है खनन काम का, का काम करती थीं या कच्चे तेल की प्रोसेसिंग का, का काम करती थी रिफाइन करती थी सभी कंपनियां इस डॉलर को स्वीकार करती थी यही वजह है कि 1940 के दशक में डॉलर सबसे ज़्यादा स्वीकृत मुद्रा मानी जाती रही तो गोल्ड से उसका पैग करना पैगिंग मतलब दसमलव आठ आठ ग्राम सोना से के बराबर उसको रखना गोल्ड से उसकी पैगिंग करना और पेट्रोलियम उत्पादों में डॉलर का उपयोग ये दो प्रमुख कारण थे कि क्यों डॉलर का वर्चस्व बना रहा और धीरे धीरे ये वर्चस्व ऐसा बना कि हर देश अपने पास डॉलर का लेन देन करता था डॉलर का प्रयोग करता था और इसीलिए कहा भी जाता है कि डॉलर का एक तरह से प्रभुत्व तो स्थापित हो गया हालांकि 2002 में जब अमेरिका ने कानून बनाया 2001 की घटना के बाद कि अब जो भी देश अमेरिका विरोधी गतिविधि में पाया जाएगा उसे हम डॉलर के प्रयोग से मना कर देंगे कि वो डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते इसी को आपने कहा कि अमेरिका ने अपने डॉलर को हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया है और यहाँ से एक नई लड़ाई शुरू हुई जिसको आप डी डॉलराइजेशन कहते हो कि डॉलर के विरोध में बातें शुरू हुई आजकल हम देख रहे हैं कि वो स्वर मुखर हो रहे हैं फिर से इसका प्रयोग उन्होंने ईरान में भी किया इसका प्रयोग यूक्रेन में भी किया कई देशों में किया गया कि अभी रूस में किया हाल फिलहाल में तो इसलिए अब डी डॉलराइजेशन की बात भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि डॉलर के अतिरिक्त और क्या विकल्प हो सकते हैं इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात ज़रूर कही कि हमें रुपए के, के अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए तो एक संभावित सवाल बन सकता है कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में क्या क्या सहयोग कर सकता है वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा तो ये मोटा मोटा ताना बाना है कि भुगतान संतुलन की जरूरत क्यों तो आई होप आपको ये बात स्पष्ट हुई कि भुगतान संतुलन का जो नियमावली कौन बनाता इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल बीओपी मैनुअल सिक्स के अंतर्गत सो भुगतान संतुलन का आशय क्या भुगतान संतुलन का आशय हुआ कि, कि किसी भी देश का किसी भी देश का अन्य देशों के साथ अन्य के साथ लेन मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन हो रहा है और दूसरा इसकी नियमावली कौन बनाएगा आईएमएफ, फिलहाल हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल सिक्स है मतलब इसका छठवां सीरीज यूज किया जा रहा है भारत में यह गणनाएं आरबीआई करता है आरबीआई द्वारा गणना की जाती है और सारी गणनाएँ डॉलर में होती हैं भारत में गणना आरबीआई करता है और सारी गणनाएँ डॉलर में की जाती हैं बात स्पष्ट रही यहाँ से आगे बढ़ते अगर हम देखें तो ये जो भुगतान संतुलन है इसको हम दो बड़े हिस्से में बांटते हैं नियमों के अनुसार पहला जिसको आप बोलते हो चालू खाता और दूसरा पूंजीगत खाता अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चीज को किस खाते में रखा जाएगा चालू खाते में या पूंजीगत खाते में तो उसका एक टेस्ट है कोई भी ऐसा पैसा जो एक बार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे दिया गया और अपने आप में सेटल हो गया मतलब अब दूसरा पक्ष उसको वापस नहीं करने वाला सीधे सीधे तो आप उसको कहोगे चालू खाते में है और कोई भी ऐसा लेन देन जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पैसा दिया पैसा दिया पर दूसरा पक्ष एक समय के बाद पहले पक्ष को पैसा वापस करेगा उसको हम पूंजीगत खाते में रखेंगे जैसे आपने मुझे एक पैसा दिया क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ट्रांजेक्शन सेटल हो गया अब मेरे पास पैसा आ गया बात ख़त्म या आपने मुझे पैसा दिया ऐसे कि सर ले जाओ मस्त रहो अपनी ज़िंदगी जियो तो भी पैसा मेरे पास आ गया वहाँ ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गया आपने मुझे गिफ्ट दिया आपने मुझे कहीं से पैसा भेज दिया या मुझे कहीं सड़क पे पैसा डॉलर मिला पड़ा मिल गया कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो वन डायमेंशनल हो और कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जब मैं कहीं कहता हूं सड़क पे पैसा पड़ा मिल गया तो मैं ग्रांट्स की बात कर रहा हूं जितने भी ग्रांट्स हुए जो जो भी ग्रांट आ रहे हैं डॉलर इत्यादि में वो आपके पास क्या एक एक तरफ का पैसा हो गया और आपने मुझे सौ रुपये दिए कि सौ डॉलर दिए कि सर जाइए व्यापार करिए प्रॉफिट जो होगा मुझे दीजिएगा और एक समय के बाद मेरा सौ डॉलर वापस कर दीजिएगा तो ये पैसा क्या है वापस किया जाएगा वापस किया जाएगा इसको हम पूंजीगत खाते में रखेंगे सो so, चालू खाता या पूंजीगत खाता पूंजीगत खाते को कभी कभी वित्तीय खाता या फाइनेंशियल अकाउंट भी कहा जाता है सो so, पूंजीगत खाता बोली या वित्तीय खाता बोली बात एक ही है वित्तीय खाता क्योंकि वित्त मिल रहा है जान रहे पैसा दूसरे का पैसा आपको उपलब्ध हो रहा है पूंजीगत खाता है वित्तीय खाता चालू खाते को फिर हम दो हिस्से में बांटते हैं एक जिसको आप बोलते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड या व्यापार संतुलन व्यापार संतुलन हालांकि ज्यादा अच्छा शब्द आजकल जो इस्तेमाल होता है वह है पर्ण वस्तुओं का संतुलन पर्ण्य वस्तुओं का संतुलन और दूसरा जिसको आप बोलते हो अदृश्य वस्तुओं का संतुलन अदृश्य वस्तुओं का संतुलन इसके अंतर्गत मोटा मोटा दो चीजें आती हैं एक सेवाएं या सेवाओं का संतुलन और दूसरा जिसको आप कहते हो नेट ट्रांसफर इसके अंतर्गत धन प्रेषण आ सकता है धन प्रेषण जो भी बाहर से पैसा आ रहा है नेट नेट का मतलब बाहर से आया माइनस बाहर को गया इसका विवरण और ऐसे ही दूसरा होता है लाभांश और ब्याज का कि जो भी बाहर से लोग पैसा ला रहे हैं अब जैसे आपने मुझे सौ रुपए दिया तो वो कहाँ रखा जाएगा आपने सौ रुपए दिया जिसको मुझे वापस करना है आपको चालू खाते में पूंजीगत खाते में पूंजीगत खाते में पर उस सौ रुपए पे मैंने आपको दो रुपए ब्याज दिया वो कहां रखा जाएगा चालू खाते में क्योंकि वन डायमेंशनल हो गया ना वो तो आप आपने मुझे दिया नहीं था मैंने आपको दिया है तो कोई भी ऐसा पैसा जो वन डायमेंशनल होगा तो सौ रुपये जो वापस करना है वो तो रखा जाएगा पूंजीगत खाते में पर उस पर जो दो रुपए का लाभांश मिला आपको वो चालू खाते में या दो रुपए का ब्याज मिला चालू खाते में ठीक मोटा मोटा ध्यान रखें कि इसको हम चालू खाते में रखेंगे तो एक तो होगा व्यापार संतुलन दूसरा होगा दृश्य वस्तुओं का संतुलन उसमें सेवाएं और नेट ट्रांसफर अब जरा बोर्ड पे देखते हैं जो पढ़्य वस्तुओं से मतलब क्या जो मर्चेंडाइज है मर्चेंडाइज किसको कहते हैं जो भी वस्तुएं हैं जो जो मटेरियल चीजें हैं सेवाओं के अलावा जो आप वस्तुओं आप कहते वस्तुओं और सेवाओं तो जो वस्तुएं हैं विभिन्न प्रकार की उसका जो आयात निर्यात हो रहा है उसको हम यहां रखते हैं अगर आयात अधिक है आयात अधिक है और निर्यात कम है या इसको ऐसे भी लिख सकते थे तो इसको हम क्या कहेंगे ये क्या है आपका ये घाटे की स्थिति है ये घाटे की या डिफिसिट की स्थिति है तो इसको क्या कहा जाएगा व्यापार घाटा व्यापार घाटा कहते हैं कंफ्यूज मत होगा व्यापार घाटे का मतलब पन्न वस्तुओं से है व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट आप कह सकते हो कि ट्रेड डेफिसिट है और अगर ये आयात कम और निर्यात ज्यादा तो आप क्या कहोगे इसको अधिशेष की स्थिति है कि अधिशेष की स्थिति है या ट्रेड सरप्लस है ट्रेड सरप्लस है अब यहां पे एक आध बातें समझनी बहुत जरूरी है भारत के केस में अगर हम देखें तो सामान्यतः हमारा जो व्यापार संतुलन है वो घाटे का है घाटे का मतलब क्या आयात अधिक है और निर्यात कम है यही वजह है यहाँ पे एक रूल है इसको चूंकि हम यहाँ क्विक रिवीजन में है और इम्तहान नजदीक है तो एक रूल की तरह इसको आप ध्यान रख लीजिए कोई भी देश जिसका व्यापार घाटा होगा वो चाहेगा कि उसका रुपया मजबूत रहे क्योंकि रुपया मजबूत रहेगा तो आयात सस्ता पड़ेगा अगर आपकी स्थानीय मुद्रा डॉलर के सापेक्ष मजबूत रहती है तो आयात सस्ता होता है लेकिन निर्यात को नुकसान पहुंचता है यूँ कहें निर्यात महंगा हो जाता है और अगर आपकी स्थानीय मुद्रा कमज़ोर रहती है तो आयात महंगा पड़ता है पर निर्यात को फ़ायदा मिलता है इसलिए चाय चीन जैसे देश जानबूझकर अपनी मुद्रा को कमज़ोर करते रहते हैं तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत जैसे देश हमेशा चाहेगा कि उसकी रुपया थोड़ा मजबूत ही रहे इस बात को मानते हुए क्योंकि आयात हमारा ज़्यादा है अगर हम रुपया को कमज़ोर करेंगे तो हमारा आयात और महंगा हो जाएगा और महंगा अब यहाँ पे मैं उसके निष्कर्षों क्लासे में क्लासेस में मैंने आपको डिटेल में समझाया है एग्जाम्पल के साथ यहाँ आप इसको एक कंसेप्ट की तरह ध्यान रख लीजिए कि अगर किसी भी देश में व्यापार घाटा है तो वो चाहेगा कि इसका रुपया मजबूत रहे स्थानीय मुद्रा अगर किसी भी देश में व्यापार अधिशेष है तो वो चाहेंगे उनकी स्थानीय मुद्रा कमज़ोर हो क्योंकि जितना कमज़ोर होंगे उतना निर्यात को लाभ मिलता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होती है स्थानीय मुद्रा जितनी मजबूत रहेगी आयात को लाभ मिलता है लेकिन निर्यात महंगा हो जाता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी आती है तो उन्होंने सा पूछा है कि रुपया के मजबूत हो जाने पर रुपये के कमज़ोर हो जाने पर अनिवार्य रूप से क्या होगा निर्यात में बढ़ोतरी होगी ये सवाल आया हुआ है कि रुपया अगर कमजोर पड़ता तो अनिवार्य रूप से क्या होगा बाकी जी तो अलग बात है अनिवार्य रूप से निर्यात को बढ़ोतरी होगी और अनिवार्य रूप से कहा जाए तो आयात और महंगा हो जाएगा और भारत जैसे देश में हम चूंकि आयात ज्यादा करते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा रुपया मजबूत ही रहे तो ये मोटा मोटा बात रहा कि आ, क्या भारत की स्थिति है आयात निर्यात को लेकर पर अच्छा आयात भारत का ज्यादा क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है अगर इसके बारे में थोड़ी बात करूं तो भारत में आयात ज्यादा होने के लिए हम अगर वस्तुओं को देखें जो सबसे हम आयातित वस्तुएं हैं तो सबसे ज्यादा आयात हम करते हैं कच्चे तेल का अच्छा भारत को कच्चे तेल की जरूरत है मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने कुल आवश्यकता का पचासी परसेंट कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं कच्चे तेल की हमें जरूरत क्यों है तीन कारणों से पहला हमारी अपनी उपभोग बहुत है इतनी बड़ी जनसंख्या है इतना व्हीकल और गाड़ियाँ हैं जनरेटर्स हैं ऊर्जा के लिए हमें कच्चे तेल की बहुत ज़रूरत है प्लस एक चीज़ थोड़ी पेचीदा बनाती है कच्चे तेल के आयात को कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का करता है पेट्रोलियम उत्पादों का पेट्रोलियम उत्पादों का और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए कच्चा तेल है कच्चा माल तो हम कच्चा माल दस जैसे हम ईरान से कच्चा तेल लाते हैं फिर उसको भारत में सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनरीज भी हैं हम उसको प्रोसेस करते हैं कच्चा तेल आता है कच्चा तेल जो है वो अलग अलग जगहों से आ सकता है और उस आधार पर उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं जो भी कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आता है उसको आप नाम देते हो शोर या खट्टा कच्चा तेल और जो भी कच्चा तेल यूरोप या अमेरिका से आता है उसको आप स्वीट या मीठा का, कच्चा तेल कहते हो इसका मतलब टेस्ट में मीठा नहीं होता वो लेकिन हाँ मीठा बोला जाता है उसको कहीं यार टेस्ट करने लगे जरा देखें हालांकि आप टेस्ट करते हो तेल को आपको पता है पेट्रोलियम का उत्पाद आप दिन की शुरुआत ब्रश से करते हो टूथपेस्ट में पेट्रोलियम होता है स्वीट होता है हालांकि वो अब नमक का पता नहीं पर पेट्रोलियम होता है नो उससे ना आपके सूटकेस में उसमें नमक न टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम पर पेट्रोलियम होता है पक्का इसमें कहीं दो मत नहीं टूथपेस्ट में पेट्रोलियम होता है चुविंगम में पेट्रोलियम होता है बल्कि चुविगम का पेट्रोलियम नुकसानदायक इसलिए भी होता है क्योंकि वो प्रोसेस नहीं होता उस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप कम से कम दो रोजमर्रा के उत्पादन जिसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है तो पेट्रोलियम का बड़ा व्यापक इस्तेमाल है जितने भी आप फेस वॉश और जेली यूज़ करते हो सब में पेट्रोलियम यूज़ होता है इनवेरेबली तो कच्चा तेल हम मंगाते हैं अगर कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आता है तो शोर और जो है अगर इधर से कहीं आया है तो उसको स्वीट या, अगर यूरोप से आता है तो ब्रेंट बोलते हैं और अगर जो यू से जो समय आ रहा है उसको वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट कहा जाता है ये रेंज होती है कच्चे तेल की ये कच्चा तेल हम बाहर से लाते हैं फिर उसको साफ साफ़ करके उसकी अलग अलग लेयर बनाते हैं जिसमें डीजल हो गया पेट्रोल हो गया कैरसिन हो गया गैसोलिन हो गया आपका जो है क्रायोजेनिक हो गया अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं लुब्रिकेंट्स हो गए ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं और उसको हम बेचते हैं तो चूंकि हमारा व्यापार है तो हमें कच्चा तेल और मंगाना पड़ता है जितना वो व्यापार बढ़ेगा उतना हमें कच्चा तेल मंगाना पड़ता है तो एक रीज़न है कि भारत कच्चा तेल क्यों बाहर से ज़्यादा मंगाता है एक तो अपना उपभोग बहुत है दूसरा कच्चे तेल के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम पे, पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात बहुत करते हैं और तीसरा भारत अपने पास कच्चे तेल के कृत्रिम कुएं भी बनाता है भारत के पास कच्चे तेल के कृत्रिम कुएं भी हैं इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई आपदा आएगी कोई युद्ध होगा तो कच्चा तेल हमें चाहिए होगा उस समय तो इसलिए एक कंपनी है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जिसको आई बोलते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो रणनीतिक पेट्रोलियम को स्टोर करती है वो पांच जगहों पर इस समय पेट्रोलियम के कच्चे तेल कुएं बना रखे हैं उन्होंने चांदी खोल उड़ीसा है पादूर है मैंगलोर है इसके अलावा जो है आपका विशाखापट्टनम है और बीकानेर राजस्थान इन पाँच जगहों पर हमने कच्चे तेल के कृत्रिम कुएँ बना रखे हैं और जब भी हमारे पास कच्चा तेल उपलब्ध होता है सस्ते दाम में बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम उसको वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं ताकि कभी कल को दिक्कत पड़े युद्ध में या आपदा में तो कच्चा तेल हमारे लिए मुसीबत ना बने क्योंकि आपके जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं तमाम जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो सब किस पे ऑपरेट करेंगे अगर कच्चे तेल की दिक्कत आ गई तो तो ये कारण है कि हम कच्चा तेल बहुत मंगाते हैं मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आपके मन में ये बात आनी बहुत ज़रूरी है कि आयात में हमारे पास आयात को कम करने के विकल्प बहुत लिमिटेड हो गए हैं आयात प्रतिस्थापन जिसको हम कहते हैं कि कोशिश की जाए कि जो चीज़ हम आयात करते हैं वो आयात ना करें इसको कहेंगे आयात प्रतिस्थापन आयात प्रतिस्थापन के विकल्प इंडिया के पास बहुत नहीं है ये कहने का आशय है दूसरा अगर हम देखें सोना बहुत मंगाते हैं हम बाहर से सोने की भी वही दिक्कत है हमें उपभोग के लिए बहुत सोना चाहिए अच्छा इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी का भी बहुत ज़्यादा निर्यात करता है इसके लिए सोना कच्चा माल है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए भी वो भी एक मजबूरी है कि हम क्यों जो है सोना ज़्यादा मंगाते हैं प्लस सोना निवेश में भी यूज़ होता है आरबीआई को भी सोना चाहिए क्या करेंगे ना तो ऐसे में जाहिर सी बात है सोना चूंकि निवेश का विकल्प भी है तो ये सब कुछ कारण है कि क्यों हम सोना बहुत मंगाते हैं तीसरा अगर हम देखें जो बहुत ज़्यादा आयात करते हैं वह है आपका कोयला अच्छा कोयला हम ज़्यादा आयात क्यों करते हैं फिर वही कारण है क्योंकि हमें कोयला चाहिए स्टील के लिए स्टील में जो कोयला यूज होता है वो हम बाहर से मंगाते हैं भारत का फिफ्टी परसेंट ऊर्जा तापीय ऊर्जा है तो वहाँ भी हमें कोयला चाहिए होता है बाहर से मंगाते हैं हमारा अपना कोयला उत्पादन बहुत नहीं है क्योंकि तकनीकीगत रूप से हम बहुत अभी एडवांस नहीं है उसमें तो ऐसे ही अगर हम देखें तो हम स्टील भी बाहर से मंगाते हैं ये सब कुछ कारण है कि क्यों ओवरऑल भारत की अगर हम स्थिति देखें तो ऐसा दिखता है कि हम बहुत ज़्यादा आयात को कम कर नहीं सकते यही वजह है कि भारत में अब चालू खाते संतुलन में बार-बार बात कही जा रही है कि आयात प्रतिस्थापन के साथ साथ हम किस पे ध्यान दे? निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान दे। निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए क्या जरूरी है दो बातें एक तो हम नए नए गंतव्य स्थान ढूंढें जहां पर हम निर्यात कर सकते हैं क्योंकि अभी भी भारत का अधिकांश व्यापार कुछ ही देशों के साथ हो रहा है तो हम नए गंतव्य स्थान ढूंढें जहाँ हम तेज़ी से निर्यात कर सकते हो, जैसे अफ्रीका पूरा हमारे पास हो सकता है अफ्रीका हमारा अच्छा मित्र हो सकता है निर्यात के संदर्भ में यूरोप में बहुत सारे देश हो सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौते करें आप जानते हो कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय समझौते कई प्रकार के हो सकते हैं एक जो सबसे सामान्य होता है जिसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट अर्ली हार्वेस्ट में दो देश परस्पर साथ में आते हुए ये देखते हैं कि एक दूसरे के साथ संभावनाएं कितनी हैं तो मान लीजिए अफ्रीका और इंडिया एक साथ आ गए ये देखने के लिए कि हम क्या द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि अगर द्विपक्षीय समझौता है देशों के बीच में तो वो आए एक दूसरे पर आयात शुल्क कम लगाएंगे तो मान लीजिए इंडिया से कोई चीज़ जा रही चीन और चीन उस पर दो परसेंट का आयात शुल्क लगा रहा है पाकिस्तान से कोई चीज़ जा रही चीन और पाकिस्तान उस पर एक परसेंट का आयात शुल्क लगा रहा है तो पाकिस्तान वाली चीज़ सस्ती दिखाई पड़ेगी इंडिया वाली चीज़ महंगी दिखाई पड़ेगी तो इस तरह के द्विपक्षीय समझौते किए जाते हैं ये नियमों के अंतर्गत हैं अब ऐसे द्विपक्षीय समझौतों में बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो सबसे कॉमन होता है सबसे प्रारंभिक स्थिति जिसको बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट यहाँ पर दो लोग आपस में आके समझौता करने की कोशिश करते हैं फिर एक होता है पी टी ए पी टी ए में दो या दो से अधिक देश पी टी ए का मतलब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दो या दो से अधिक देश ये समझौता करते हैं कि हम एक दूसरे को 10-20 वस्तुओं पर कम कर आयात कर या निर्यात कर लगाएंगे बाकी सब पे सामान्य रहेगा तो पीटी अर्ली स्टेज है जहाँ पर दो देश साथ में आते हुए कम कर लगाने की बात करते हैं आ, उसको पी कहा जाएगा उसके बाद ज्यादा बेहतर होता है मुक्त व्यापार या एफ टी में क्या है दो देश या दो से अधिक देश साथ में आके सुनिश्चित करते हैं कि हम एक दूसरे पर अधिकांश चीज़ों में कम कर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे और कुछ चीजों पर सामान्य कर रहेगा तो ये पीटीए का उल्टा हो गया पीटीए में हमने कहा था कुछ चीजों पर कम कर रहेगा बाकी सब पे सामान्य रहेगा एफ में क्या कह रहे हैं हम कुछ चीजों पर सामान्य रहेगा बाकी सब पे या तो कर नहीं रहेगा या कम कर रहेगा इसको आप बोलते हो एफ इंडिया लगातार अगर हम इंडिया की बात करें तो चौवन देशों के साथ कुल मिलाकर हम डिफरेंट तरह के पीटी टी कर रहे हैं अभी यूरोपियन यूनियन से जो एफटीए हुआ वो बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है इंडिया के लिए यूके से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं एफटीए करने की इस बार तो यूके चाहता है कि एफटीए हो तो इस तरह से एफटीए हो गया अच्छा अगर एफटीए के अंतर्गत दोनों देश ये भी कहें कि हम ना सिर्फ आयात निर्यात में छूट देंगे बल्कि साथ ही एक दूसरे के कंपनियों को सहयोग देना एक दूसरे के कॉपी का ध्यान रखना तब इसको हम बोलते हैं सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौता और अगर सीका में सेवाएं भी शामिल हो जाएं तो उसको सीपा कहा जाता है तो सीका प्लस सेवाएं इज इक्वल टू सीपा जिसका मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक पार्टनरशिप का मतलब भागीदारी एग्रीमेंट तो सीका हो गया सीपा हो गया ऐसे ही दो देश साथ में आके ये भी निर्णय ले सकते हैं कि हम एक दूसरे को न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि एक तरह से अब हमारे यहाँ कोई ऐसी बाउंड्री नहीं रहेगी कोई ऐसा सीमा नहीं रहेगी कि जिसके आस आसपास वस्तुओं में भेदभाव हो अगर ऐसा कुछ निर्णय कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं कस्टम यूनियन जैसे इंडिया नेपाल कस्टम यूनियन है इंडिया भूटान कस्टम यूनियन है वहाँ से एक दूसरे देश आने जाने के लिए आपको कोई बॉर्डर का की जरूरत नहीं पड़ती तो इसको हम बोलते हैं क्या है कॉमन कस्टम यूनियन या कस्टम यूनियन और अगर हम सब कुछ एक जैसा कर लें एक जैसी मुद्रा कर लें सब कुछ एक जैसा मौद्रिक नीति एक ही जैसी तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है आर्थिक यूनियन जैसे कि यूरोपियन यूनियन इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन मार्केट इन तीनों के लिए कॉमन शब्द है चाहे यू आर्थिक यूनियन बोलिए चाहे कस्टम यूनियन बोलिए कॉमन मार्केट बोलिए लगभग एक जैसे ही शब्द हैं तो ये हर देश कोशिश करता है अलग अलग देशों के साथ इस तरह का समझौता करने की ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाएँ कि उन्हें यथासंभव लाभ मिल जाए भारत में अभी आपको बताया कि अगर आप इसके लिए डी होते हैं डी के अंतर्गत फॉरन ट्रेड के लिए विदेश व्यापार के लिए किसके अंतर्गत डी पी आई टी डी पी आई टी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत तो डीजीएफटी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको दिखा मिल जाएगा कि चौवन देशों के साथ हमारा विभिन्न प्रकार का पीटीए एफ टी ए वगैरह चल रहा है फिलहाल जो एक अच्छी खबर है चौवन देश मतलब काफी बड़ा तबका आप कवर कर रहे हो तो ये बात रही कि किस प्रकार से हम निर्यात में बढ़ावा ला सकते हैं नए नए समझौते और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि निर्यात के संदर्भ में हमें नए उत्पादों को देखना होगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है हमें उस चीज़ के निर्यात पे कम फोकस करना चाहिए जिसका कच्चा तेल ही हमारे पास ना हो जिसका कच्चा माल हमारे पास ना हो हम बाहर से कच्चा माल लाएं फिर प्रोसेस करें उससे तो बढ़िया जो हमारे पास नेचुरली होता है जैसे कृषि उत्पाद भारत के पास कृषि में अपार संभावनाएँ हैं उत् निर्यात करने की क्योंकि अब जिसमें सबसे बड़ा है आजकल तो है मोटा अनाज क्योंकि मोटा अनाज इसको अन्न भी आप कहते हो अब तो सब मानने लगे हैं पूरी दुनिया में कि श्री अन्न पोषण के लिए भी अच्छा जलवायु परिवर्तन में भी काम आता है अब इतने धूप में इतनी गर्मी में जितनी प्रचंड गर्मी है इस गर्मी में क्या ही आप सोचेंगे कि कोई हाई वेल्ड वैरायटी बचेगा मोटा अनाज ही बचेगा इसमें सो मोटा अनाज जलवायु के लिए बहुत सही होगी जलवायु के हिसाब से सही होगी मोटा अनाज कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है मोटा अनाज भारत के लिए एक अपार संभावना लाता है फार्मेसी एक दूसरा क्षेत्र है जहां पर इंडिया के पास अपार संभावनाएं हैं क्योंकि फार्मा क्षेत्र में इंडिया इस समय ड्रग या दवाओं के उत्पादन में नंबर एक पर है हाल वो एक अलग बात है लेकिन हम कह रहे हैं कि फार्मा क्षेत्र हमारा अपना एक संभव क्षेत्र है ठीक है एफडीआई आने दीजिए फिलहाल पर हम वहां पर निर्यात तो कर पा रहे धीरे धीरे हमारे अपने इन्वेस्टर्स भी आएंगे उसमें क्योंकि एफडीआई अब जिस हिसाब से एक दिन अच्छा एक्टिव फॉर्मेस्ट अच्छा मुझे लगा आप कह रहे हो कि एफ डी आई के संदर्भ में फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये संभावनाएँ हैं ये हमारी संभावनाएँ हैं और सिर्फ फार्मा ही नहीं बाय इंफॉर्मेटिक्स बाय इंजीनियरिंग जो है फार्मा से संबंधित जो आप कह सकते हो कि जो सर्जिकल आइटम्स हैं इस तरह के उन सब में भी संभावनाएं हमारे पास तो हम बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि और कहा भी जा रहा है इंडिया के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो विश्व की फार्मेसी बनने की क्षमता रखता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स में हाँ बिल्कुल हमारी निर्भरता है तकनीकीगत निर्भरता है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं अगर हम निवेश बढ़ाएं उस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में निवेश बढ़ाएं देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ समझ में आ रही है एक सिंगल दिन में कल कल में भारत के बाजार से इकतीस लाख करोड़ रुपये गायब हुए हैं इकतीस लाख करोड़ रुपए आप निवेश की संभावना देखो मैं इसको दूसरी तरह से देख रहा हूं जब मैंने खबर पढ़ी सुबह तो मुझे लगा ये उल्टा भी तो है मतलब इकतीस लाख करोड़ एक दिन में आ सकते हैं किसी एक क्षेत्र में एक अपील पे इकतीस लाख करोड़ आए भी जा सकते हैं ये भी ध्यान रखिए इसको ऐसे भी देखा जा सकता है इकतीस लाख करोड़ यहां मैं याद दिला दूं भारत सरकार का पूरा बजट अड़तालीस लाख करोड़ का है मैं एक दिन की बात कर रहा हूं इकतीस लाख करोड़ रुपए का मूवमेंट है का नुकसान है कुछ को फायदा भी हुआ होगा मार्केट से इकतीस लाख करोड़ रुपए एक दिन में गायब होते हैं तो ये बता रहा है हालांकि ठीक है इट वाज अ बैड डे मार्केट के लिए बड़ा बैड डे था लेकिन जैसा भी था ये बताता है कि संभावनाएं तो है संभावनाएं तो है इसमें कहीं दो मत नहीं हमें निवेश बढ़ाना होगा वो मैं फिलहाल उस क्षेत्र में उस तरफ नहीं जा रहा वो तो एक क्षेत्रगत बात हो जाएगी मैं ये बता रहा हूँ कि भारत के पास निर्यात की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं उसमें फार्मा एक बहुत बड़ा सेक्टर है और फार्मा में बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं आप अपने संज्ञान में इसको ज़रूर ले लीजिएगा पी टी में इसकी संभावना बन सकती है कि फार्मा के क्षेत्र में हमने एक नया नियम लागू किया है ताकि दवाओं के उत्पादन और दवाओं की बिक्री को हम और ज़्यादा व्यवस्थित कर सकें उसमें बहुत नैतिक मुद्दे हैं कि आप डॉक्टर को फालतू के गिफ्ट देते थे वो सब बंद कर दिया गया है उस उसमें नियम लगाए गए हैं तो उसको थोड़ा जो उसका न्यू कोड ऑफ कंडक्ट है उसको थोड़ा संज्ञान में ले लीजिएगा उसके चर्चा मैंने पी टी में की है तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो फार्मा सेक्टर इनदर एक और सेक्टर है जहाँ पर बहुत संभावना है सो तो फार्मा हो गया खाद्य प्रसंस्करण या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया एक और सेक्टर है जो इंडिया में बहुत प्रॉमिसिंग है वो है डिफेंस रक्षा का क्षेत्र अच्छा तो डिफेंस में अभी तक हम आयात बहुत करते रहे हैं अब हम दोनों काम कर रहे हैं आयात को कम कर रहे हैं और निर्यात को बढ़ा रहे हैं आ, अफ्रीका के साथ बहुत देशों के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है अभी हमने आर्मेनिया को पिनाका दिया है फिलीपींस को जो है हम जो है ब्रह्मोस दे रहे हैं ब्रह्मोस का एग्रीमेंट हमारा एक दो देशों के साथ और आया हुआ है बहुत सारे डिफेंस उपकरण हम निर्यात करें डिफेंस इंजीनियरिंग के उपकरण हम निर्यात कर सकते हैं हम कैपेबल हैं इस चीज़ के लिए डी सक्षम है इन चीज़ों में सो रक्षा क्षेत्र एक और क्षेत्र है यही वजह है कि रक्षा क्षेत्र में बजट बहुत बढ़ाया गया है इसके अलावा एक क्षेत्र और भी हो सकता है जहाँ पर हम बहुत तेज़ी से आगे आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इस्कोमेट इस्कोमेट में क्या क्या होता है जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं ऑर्गन्स होते हैं मटेरियल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं एंड टेक्नोलॉजी एक कैटेगरी होती है स्कोमेट की एस सी ओ एम ई टी एस सी ओ का मतलब एस सी का मतलब स्पेशल केमिकल ओ का मतलब ऑर्गन्स एम का मतलब मटेरियल्स ई e का मतलब इंजीनियरिंग और टी का मतलब टेक्नोलॉजी से ये वो चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं बहुत सारे ऐसी चीजें ना प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत उसमें व्यापार के कुछ नियम होते हैं अगर हम उन नियमों को ध्यान रखते हुए उत्पाद ऐसा बनाएं तो निसंदेह हमारे लिए बड़ी मार्केट है और इंडिया स्कोमिट को, को लेकर एक नई दृष्टिकोण अपना रहा है साथ ही पूंजीगत वस्तुओं का मशीनरी इत्यादि के निर्यात पर हम काम कर रहे हैं यही वजह है कि इंडिया अगर आप देखें तो इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में अपना दृष्टिकोण बदलते हुए निर्यात के लिए इन सभी क्षेत्रों में चाहे फार्मा हो चाहे कृषि खाद्य प्रसंस्करण हो करीब चौदह ऐसे क्षेत्रों में हम पी एल आई लेके आए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेके आए ताकि हम इसको सुनिश्चित कर सकें तो निर्यात को प्रोत्साहन देना शायद ज्यादा बेहतर विकल्प है बजाय इसके कि हम आयात को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करें आयात को कम करने के स्कोप हमारे पास बहुत नहीं है उसमें लिमिटेड स्कोप है हम निर्यात को प्रोत्साहन जरूर दे सकते हैं बासपोरी बस तो निर्यात प्रोत्साहन इस समय हमारे पास विकल्प है और इसी दिशा में हमारे पास 2023 में एक नई नीति बनाई गई जिसको आप बोलते हो विदेश व्यापार नीति 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो ये आशा करती है कि 2030 तक हम लगभग लगभग दो ट्रिलियन डॉलर वस्तुओं का निर्यात कर पाएंगे दो ट्रिलियन डॉलर वस्तुओं का निर्यात कर पाएंगे और साथ ही इस विदेश व्यापार नीति में हमने चार चीज़ों को आधार बनाया है एक तो नई तकनीकी पे भरोसा करना इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे साथ ही हमने बात की है कि हम कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका परस्पर सहयोग हो सकता है आपूर्ति श्रृंखला में उसको सुनिश्चित किया जाए छूट को हम ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं तमाम तरह की सब्सिडी और छूट को तो इस तरह से कोशिश की जा रही है फॉरन ट्रेड पॉलिसी में कि कैसे निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपने आप में एक निर्णायक पॉलिसी के रूप में देखा जा रहा है तो ये कुछ बातें हैं कि भारत अगर अपने चालू खाते को अधिशेष में करना चाहता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए मैं दोबारा याद दिलाऊं कि मैंने आपसे ये कहा कि भारत में भुगतान संतुलन में चालू खाते की स्थिति कैसी है चालू खाता ओवरऑल घाटे में है और व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है घाटे की व्यापार संतुलन घाटे में क्यों है क्योंकि हम वस्तुओं का आयात ज़्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं अभी स्थिति यह है कि हम चाह रहे हैं कि हम आयात को तो कम करें जिसमें संभावनाएं कम ही दिख रही हैं निर्यात को प्रोत्साहन करके ऐसा किया जा सकता है तो ये बात रही मोटा मोटा कि भारत में ट्रेड डिफिसिट की क्या स्थिति है अगर हम बात करें सेवाओं में तो सेवाओं में भारत अधिशेष में है मतलब हम सेवाओं का निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं तो सेवाओं में भारत में निर्यात ज्यादा है आयात कम है निर्यात ज्यादा आयात कम सेवाओं के संदर्भ में सेवाओं को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चार तरीके से देखते हैं जिसको कहा जाता है मोड वन मोड टू मोड थ्री मोड फोर मोड वन के अंतर्गत वो सेवाएं आती हैं जिसमें सेवा प्रदाता और सेवा ग्राहक दोनों ही अपने अपने देश में रहते हैं जैसे यूट्यूब के मदद से सेवा देना या बी सेक्टर जहाँ पर आप यहाँ इंडिया में हो क्लाइंट अमेरिका में और आप यहाँ से तकनीकी की मदद से सेवाएं दे रहे हो उसको कहेंगे मोड वन मोड टू के अंतर्गत वो सेवाएं आती हैं जिसमें सेवा ग्राहक सेवा प्रदाता के देश में आता है जैसे पर्यटन कोई आपके देश में आ रहा है मोड थ्री के अंतर्गत सेवा प्रदाता सेवा ग्राहक के देश में जाता है जैसे कि एस का सिंगापुर में ब्रांच खोलना और मोड फोर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम मूवमेंट को आसान किया जाता है तो मोड वन मोड टू मोड थ्री मोड फोर इंडिया डेफिनेटली मोड वन में बेहतर है इंडिया डेफिनेटली मोड टू में ऑप्शन रखता है मोड थ्री में हम उतने अच्छे नहीं हैं बल्कि बड़े देश को ज़्यादा उनके पास निवेश है मोड फोर हमारे लिए एक विकल्प हो सकता है तो भारत ओवरऑल निर्यात अधिक करता है सेवाओं का और आयात कम करता है पर थोड़ी चिंता इस बात की है कि अगले एक आध दो वर्षों में अनुमान है ए बहुत सारी सॉफ्टवेयर की नौकरियों को ख़त्म कर सकता है ऐसे में ये जो हम सेवा का निर्यात कोडिंग वगैरह में करते हैं इसमें कमी आ सकती है अब जाहिर सी बात है कॉल सेंटर से आई बेस्ड हो जाएंगे बहुत जल्दी शुरू भी हो चुका हर बड़ी एम एन ने करना शुरू कर दिया गूगल को देख लीजिए अमेरिकन एक्सप्रेस को देख लीजिए अब उनके कॉल सेंटर ह्यूमन ओरिएंटेड नहीं है वो ए बेस्ड हो गए हैं कि आप कॉल सेंटर पे फोन करते हो वो आपका आपसे नंबर्स पूछते हैं फिर जो है क्वेश्चंस के जरिए आपको हेल्प किया जाता है तो वो ऑलमोस्ट एआई बेस्ड हो गए हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारा एक बड़ा जॉब था जॉब मार्केट था जो खत्म होगा ऐसे में हमें नए तरह की सेवाएं जैसे पर्यटन इत्यादि को थोड़ा और प्रोत्साहित करने की जरूरत है धन प्रेषण में इंडिया लगातार नंबर एक पर बना हुआ है 2008 से आ, पूरी दुनिया में करीब 640 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण होता है जिसमें से 100 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण अकेले भारत करता है 100 बिलियन डॉलर अकेले भारत कर रहा है भारत अकेला देश है जो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का धन प्रेषण करता है हमारे लोग बाहर से पैसा ज़्यादा भेज रहे हैं अच्छी बात है लाभांश ब्याज हमारा नकारात्मक है यहाँ पर हम डिफिसिट में हैं या घाटे में है तो जरा एक बार दोबारा देखते हैं कि अदृश्य वस्तु में फिर हमारी क्या स्थिति है अदृश्य वस्तुओं में नेट ट्रांसफर में लाभांश ब्याज घाटे का है धन प्रेषण सकारात्मक है सेवाओं का संतुलन अधिशेष का है ओवरऑल अदृश्य अधिशेष का है ओवरऑल अदृश्य अधिशेष का है व्यापार घाटा का संतुलन कैसा है घाटे का है और ओवरऑल चालू खाता कैसा है घाटे का है चालू खाता घाटा तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ बताइए भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटा अदृश्य वस्तुओं की वजह से है बल्कि वहां तो अधिशेष है मुख्य रूप से किस वजह से है व्यापार की वजह से कि हमारा व्यापार घाटा है और व्यापार घाटे का मुख्य कारण क्या है आयात का अधिक होना कच्चे तेल कोयला सोना इत्यादि का अगर हमें चालू खाते को अधिशेष में ले जाना है तो हमें हर संभव कोशिश करनी होगी कि हम वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन दें और साथ ही कोशिश करें कि इधर भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं सेवाओं में नई चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाए धन प्रेषण को और बढ़ाया जाए इत्यादि इत्यादि बात कर रही चालू खाते का घाटा होना जी के संदर्भ में कितना होना चाहिए ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कहा जाता है आपका चालू खाता घाटा अगर जी के संदर्भ में दो प्रतिशत के नीचे है तो एक अच्छी स्थिति है भारत का चालू खाता घाटा फिलहाल उसी के आसपास रह रहा है दो प्रतिशत के एक लाइन में बोल रहा हूं अब मुझे बताइए बात स्पष्ट हो रही कि नहीं और जरा ध्यान से सुन के मुझे बताइएगा अगर हम उतनी ही वस्तुओं का आयात करें संख्या में जितना पहले करते रहे हैं उतनी ही वस्तुओं का आयात करें जितना पहले करते रहे हैं और रुपया कमजोर हो जाए तो चालू खाते घाटे में कमी आ जाएगी ये स्टेटमेंट सही है गलत है गलत है चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा क्योंकि आयात आपका महंगा हो जा रहा है इस तरह के पूछते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपका चालू खाता घाटा दो वजह से बढ़ सकता है या तो आप आयात बढ़ा दो का एक, या आयात तो उतना ही करो आपका रुपया कमजोर हो जाए या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाए तो ये सब कारण है कि चालू खाते घाटे को बढ़ा सकती हैं चालू खाते को घाटे घाटे को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमें चालू खाते घाटे को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए रुपए को कमजोर करना चाहिए मजबूत करना चाहिए मजबूत करना चाहिए निर्यात में प्रोत्साहन देना चाहिए हतोत्साहन प्रोत्साहन देना चाहिए निर्यात में प्रोत्साहन देना चाहिए है कि नहीं हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके तो ये कुछ तरीका है जिसके मदद से हम चालू खाते घाटे को प्रोत्साहन दे सकते हैं बात क्लियर हुई ठीक अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए अगर हम दूसरी तरफ आए पूजीगत खाते में तो पूजीगत खाते को हम तीन हिस्से में बांटते हैं पूजीगत खाते को तीन हिस्से में बांटा जाता है ये कौन कौन से तीन हिस्से हैं पहला निवेश दूसरा ऋण और तीसरा बैंकिंग पूंजी निवेश ऋण और बैंकिंग पूंजी निवेश ऋण और बैंकिंग पूंजी अगर हम निवेश की बात करें तो निवेश के अंतर्गत दो बड़े घाटे आते, दो बड़े घटक आते हैं एक को बोलते हैं एफ एक को बोलते हैं एफ ऋण के अंतर्गत दो घटक आते हैं संप्रभु ऋण संप्रभु ऋण और दूसरा जिसको आप बोल सकते हो एक्सटर्नल कॉमर्शियल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग या ई सी बी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग या ई सी बी हिंदी में इसको कहेंगे वाह वाणिज्यिक उधारी या ऋण जो भी बोले वाहिज्यिक ऋण अब इससे पहले मैं इनके विवरण में आऊं एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और करना चाहूंगा जिसको मैं आगे भी इस्तेमाल करूँगा मान लेते हैं एक उदाहरण से कि भारत में वस्तुओं का कुल जो आयात है वो है सौ डॉलर कुल जो निर्यात है वो है चालीस डॉलर तो व्यापार घाटा कितने का है साठ डॉलर का हमारा व्यापार घाटा है ठीक सेवाओं में मान लेते हैं कि कुल हम 30 डॉलर का निर्यात करते हैं 10 डॉलर का आयात करते हैं तो कुल स्थिति क्या है 20 डॉलर का सरप्लस है धन प्रेषण में मान लेते हैं कि 10 डॉलर बाहर से आता है 5 डॉलर बाहर जाता है तो सरप्लस कितना 5 डॉलर का लाभांश ब्याज में मान लेते हैं मोटा मोटा कि आ, मान लीजिए चार डॉलर पाँच डॉलर बाहर से आता है पाँच डॉलर और पाँच डॉलर बाहर से आता है और दस डॉलर बाहर को जाता है तो स्थिति क्या है माइनस पाँच तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा व्यापार संतुलन घाटे का है सेवाएं अधिशेष की हैं धन प्रेषण अधिशेष का है लाभांश ब्याज घाटे का है ये ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सेवाओं का संतुलन अधिशेष का है चालू खाता कुल कितना है घाटेगा का कितने का चालू खाता साठ माइनस ये प्लस ट्वेंटी कितना हो गया माइनस चालीस डॉलर का हमारा चालू खाता घाटा है मतलब ये अब यहां की समझना जरूरी मतलब ये कि हमारे पास हमारे पास किसी भी समय में बाहर से कुल मिलाकर जितने डॉलर आ रहे हैं और जितने डॉलर हमें चाहिए बाहर से चीज़ें खरीदने के लिए उसमें अंतर कितना है चालीस डॉलर का तो हमारे पास अगर ये स्थिति एक महीने की है तो आप मुझे बताओ एक साल के लिए हमारे पास कितना रहना चाहिए मोटा मोटा 480 डॉलर अगर हमारे पास कहीं अलग पड़े हुए हैं एक रिजर्व के रूप में तो हम कह सकते हैं कि एक साल तक हमारी आवश्यकता पूरी होगी में चिंता करने की जरूरत नहीं है यही भूमिका निभाता है आपका विदेशी मुद्रा भंडार या रिजर्व। और अगर यही रिजर्व एक हफ्ते की आवश्यकता के बराबर भी ना रह जाए तो हम कहते हैं भुगतान संतुलन की समस्या आ गई है समस्या आ गई है तो आपका फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होना चाहिए कितना जो कम से कम लगभग लग लग एक छह महीने या उससे अधिक की आवश्यकता को जैसे अभी भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भारत के आयात की ग्यारह महीने की आवश्यकता को पूरा कर सकता है जो अंतर आ रहा है तो उसको हम फॉरेक्स रिजर्व के रूप में देखते हैं बात क्लियर हो रही इसको हम आगे यूज करेंगे तो मैं चाहता था यही आप इसको समझ लें अब अगर हम बात करें निवेश में तो विदेशी निवेश कहते किसे हैं अगर हम आरबीआई की आरबीआई सब विवरण रखता है आरबीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तो कहते हैं विदेशी निवेश का आशय हर उस पूंजीगत निवेश से है जो किसी भारतीय गैर निवासी द्वारा किया गया हो शब्द जरा ध्यान सुनिएगा कौन कर रहा हो गैर निवासी मतलब वो भारत का निवासी ना हो फिर चाहे एन हो या किसी और देश के निवासी हो जो एन भी हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब हैं भारत के नागरिक लेकिन रहते दूसरे देश में निवासी वहाँ के हो गए उनको आप एन बोलते हो उनका पैसा भी क्या माना जाएगा विदेशी निवेश उनका पैसा भी विदेशी निवेश ही कहा जाएगा और अगर जो है मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति है कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है वो भारत में पैसा लगा रहा है तो कोई भी पैसा जो गैर निवासी द्वारा किया जाएगा उसको आप क्या बोलोगे कि ये विदेशी निवेश है ये पहली शर्त है कि पैसा किसके द्वारा लगाया गया हो गैर निवासी द्वारा और दूसरी शर्त यह है कि जो भी पैसा लगाया गया हो रीपेट्रिएबल हो रीपेट्रेबल का मतलब होता है कि वो पैसा जब चाहे वापस ले जा सकते हो इसको आप कहोगे रिपेट्रेबल है तो दो चीज़ें हैं जो विदेशी निवेश को समझाती हैं कोई भी बाहर का आदमी हो मतलब भारतीय गैर निवासी हो नॉन रेजिडेंट हो और उसने जो पैसा लगाया उसे जब चाहे वापस ले जा सकता हो इसको आप बोलोगे कि विदेशी निवेश है विदेशी निवेश वो कैसे कह सक कर सकते हैं दो तरीके से एक जिसको हम बोलते हैं स्वचालित मार्ग अगर आप स्वचालित मार्ग से निवेश करते हो तो आपको सरकार से कोई पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती जैसे मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक भारत की किसी कंपनी मान लीजिए कंपनी का नाम है सुनील प्राइवेट लिमिटेड कोई विदेशी निवेशी भारत की कंपनी सुनील प्राइवेट लिमिटेड में पैसा लगाना चाह रहा है तो उसको सरकार से पूछने की ज़रूरत है कि नहीं अगर नहीं है तो आप कहोगे यह ऑटोमेटिक रूट से परमिशन है अगर सरकार से पूछने की ज़रूरत है तो उसको आप कहोगे कि ये सरकारी रूट या गवर्नमेंट रूट है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि सरकारी रूट के अंतर्गत वही रखे जाएंगे जो देश के लिए संवेदनशील मामले होंगे तो ऑटोमेटिक रूट से आप विदेशी निवेश ला सकते हो उसमें कोई पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं है और आप विदेशी निवेश लाते हो किससे सरकारी रूट से भी सरकारी रूट में पूर्व अनुमति की जरूरत होती है जब आप ऑटोमेटिक रूट से लाते हो तो उसको बॉम्बे रूट भी कहा जाता है और अगर आप सरकारी रूट से लाते हो तो उसे दिल्ली रूट भी कहा जाता है ये आपको अनुमति मिलेगी कैसे इसके लिए डी जिम्मेदार होता है डी ही इन सब चीज़ों को देखता है और डी इसमें क्या करेगा डी सुनिश्चित करेगा कि जब भी किसी को ऐसी अनुमति चाहिए हो तो वो अनुमति उनको आ, पहले क्या होता था इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एफ आई पी बी पर अब चूंकि ज़्यादातर ऑटोमेटिक है और सब कुछ डिजिटल है इसलिए 2017 से हम एक नया पोर्टल बना के लाए, जिसका नाम है एफ आई एफ पी फॉरन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकता है और अप्रूवल पर ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत है ये डीपीआईटी के अंतर्गत सो एफ आई एफ पी के अंतर्गत so ये सारी चीजें होती एफ डी आई के मामले डीपीआई भी देखता है एफ पी आई का मामला से भी देखता है क्योंकि ये निवेश लिस्टेड कंपनीज में ही होता है तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पहले तो विदेशी निवेश किसे कहेंगे वो किन मार्ग से किया जा सकता है तो सरकारी रूट भी हो सकता है और स्वचालित मार्ग भी हो सकता है यहां से आगे बढ़े अगर हम तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जो विदेशी निवेश है ये कैसे वो कर सकते हैं एक तरीका है कि वो यहाँ की कंपनी का शेयर खरीद लें विदेशी निवेश कैसा भी चाहे एफ डी हो चाहे पी हो यहां कंपनी का शेयर खरीद लें या यहाँ की कंपनी का प्रेफरेंशियल शेयर खरीद लें प्रेफरेंशियल शेयर कहा जाता है उस शेयर को जिसमें मालिकाना हक नहीं दिया जाता लेकिन लाभांश अलग तरीके से दिए जाते हैं तो प्रिफ्रेंशल शेयर खरीद लें शेयर खरीद लें या एक तरीका हो सकता है कि वो शेयर वारंट खरीद लें शेयर वारंट क्या होता है शेयर वारंट कहा जाता है कोई भी ऐसे शेयर के बेचने को जहां पर मैं आपसे एक एग्रीमेंट कर लूँ कि मैं फला तारीख को इस रेट पर आपको शेयर दे दूंगा मतलब रेट डिसाइड हो गया मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो तो इस चीज़ को शेयर वारंट कहा जाता है तो शेयर वारंट खरीद सकते हैं वो शेयर वारंट खरीद सकते हैं वो शेयर खरीद सकते हैं प्रोफेंशियल शेयर खरीद सकते हैं एक शब्द और होता है जिसको समझना जरूरी है एक शब्द होता है डिबेंचर डिबेंचर को मैंने आपको उस मनी मार्केट में बताया था कैपिटल मार्केट में कि डिबेंचर क्या होता है कंपनियों द्वारा जारी किया गया ऋण दस्तावेज तो वो तो विदेशी निवेश हुआ नहीं वो तो ऋण हुआ वो तो ऋण हुआ एक ऐसा भी डिबेंचर आता है जिसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है कि आप मुझे पहले देते तो कर्जा हो लेकिन बाद में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है तो जितने भी कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं उनको भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे तो या तो मैं मान लीजिए मैं विदेशी निवेशक हूं इंडिया की किसी कंपनी का शेयर खरीद लूँ उसका प्रफ्रेंशियल शेयर खरीद लूँ उसका जो है मैं शेयर वॉरेंट खरीद लूँ या उसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीद लूँ ये तरीके हो सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के माध्यम से हो सकता है या एक बार एक शब्द होता नॉन सॉरी कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीद लो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर तो डेट हुआ कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब जिसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो मैं उनके कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीद लूँ कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलिए बात एक ही है अच्छा अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं तब उनको कन्वर्टेबल नोट कहा जाता है ताकि हम डिफरें स्टार्टअप का मतलब 10 साल तक तो कन्वर्टेबल नोट्स खरीद लिया तो मान लीजिए मैं कोई विदेशी निवेशक हूँ आपके यहाँ मैं निवेश करने आया हूँ तो मैं कंपनी का शेयर खरीद सकता हूँ प्रेफरेंशियल शेयर खरीद सकता हूँ उनके कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीद सकता हूँ उनके शेयर वारंट खरीद सकता हूँ उनके जो है स्टार्टअप हैं तो कन्वर्टेबल नोट्स खरीद सकता हूँ ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से मैं आपके यहाँ निवेश कर सकता हूँ शेयर वारंट ये होता है कि हम ए, इनका सवाल है शेयर वारंट क्या है मैंने अभी आपको बताया शेयर वारंट कहा जाता है उस स्थिति को जिसमें जिसमें कोई भी कंपनी जब अपना शेयर दे रही होती है किसी निवेशक को तो उनके बीच में एग्रीमेंट इस बात का हो जाता है कि फला दिन आज के बाद भविष्य में इस रेट पर मैं शेयर खरीद लूँगा तो दोनों पक्ष को एक तरह से एग्रीमेंट हो गया उन्हें भी मालूम है शेयर का भाव चढ़े या घटे मुझे तो इतने में बिकना है मेरा शेयर इतने में बिकेगा और निवेशक कोई बताए भाव चढ़े या घटे मुझे शेयर इतने में मिलेगा तो उससे जो बाजार की उठापटक है उससे वो बच जाते हैं तो खरीदा भविष्य में है लेकिन एग्रीमेंट आज ही हो गया उसको भी हम विदेशी निवेश में रखेंगे तो इस तरह से ये तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आपके यहां निवेश एक और तरीका है जो बहुत कॉमन है जिसको यूज किया जाता है नहीं शेयर वारंट में जो भी आ, शेयर वारंट के अंतर्गत जो भी मूल्य घटा बढ़ा उसका आ, कोई कंसिड्रेशन नहीं आएगा तो जो जैसे मैं आज शेयर बेच रहा हूँ सौ रुपए का कल हो सकता है ऐसी कीमत नब्बे ही रह जाए कल हो सकता है ऐसी कीमत एक हो जाए तो आपने मुझसे एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपका शेयर खरीदूंगा आज कितनी तारीख है आपने कहा कि मैं इसको 20 जुलाई को ख़रीदूंगा लेकिन खरीदूंगा सौ रुपये में हम दोनों पक्ष ने एग्रीमेंट कर लिया तो अब कल वो चाहे शेयर सौ रुपये से नब्बे का हो जाए चाहे 110 सौ दस का आपको सौ में ही मिलेगा इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे शेयर वारंट तो शेयर वारंट भी हो सकता है इत्यादि इत्यादि बात क्लियर हुई एक और तरीका है जो बहुत कॉमन है जिसके माध्यम से विदेशी निवेश आता है जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के लिए बात करूँ कि मैं भारत की कंपनी हूं और अमेरिका के निवेशकों से पैसा लाना चाहता हूं तो वहां तो हमें जानते नहीं है जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि अब आपके यहां कंपनी में अब सुनील प्राइवेट लिमिटेड अमेरिका में किसको बताओगा सुनील प्राइवेट लिमिटेड छोड़िए टाटा भी पता नहीं कितने लोगों को ना ही पता हो आपके लिए टाटा बड़ी चीज़ है जैसे आपके लिए अगर मैं आपसे कुछ नाम लूँ बड़े नाम लूँ हो तो सकता तो है आप उनको ना जानते हो तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं विदेश की बड़ी कंपनियाँ जिनको आप नहीं जानते हो तो जाहिर सी बात है आप उस पर निवेश क्यों करोगे ऐसे में मैं काम करूँगा मैं अमेरिका के किसी वित्तीय संस्थान के पास जाऊँगा अमेरिका का बैंक हो सकता है और वित्तीय संस्थान हो सकते हैं और उनसे कहूंगा आप मेरे बिहाब पे निवेशक से पैसा लीजिए आप मध्यस्थता कीजिए गारंटी लीजिए और अपना कट लीजिए तो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से बात कर ली बैंक ऑफ अमेरिका ने मेरे बिहाब पर फंड रेज किया अमेरिका में लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे अमेरिका में मेरे उस बैंक की मदद से उस बैंक की मदद से या उस वित्तीय संस्थान की मदद से जैसे आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा देते हो तो क्या करते हैं वो अपने विवेक से लगाते हैं अब म्यूचुअल फंड में हो सकता है उन्होंने अमेरिका किसी कंपनी का शेयर खरीदा हो संभव है संभव क्या खरीदा ही होएगा सो so, जाहिर सी बात है ऐसे मैं किसी वित्तीय संस्थान की मदद से विदेश निवेश लाऊं तो इनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी रसीट डिपॉजिटरी रसीद कहा जाता है अगर अमेरिका से आए तो एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद अगर यूरोप से आए तो जी ग्लोबल डिपोज अगर यूरोप के किसी बैंक के सहयोग से आए तो जी अमेरिका किसी बैंक के सहयोग से आए तो ए ऐसे ही एक काम मान लीजिए कोई भारत आ, का कोई कंपनी बाहर से आए भारत के बैंक से कहे कि आप भारत के निवेशकों से मेरे लिए पैसा इकट्ठा कराइए तो भारत का बैंक हम लोगों से पैसा मांगेगा म्यूचुअल फंड में जो हमने पैसा लगाया है या मैं सीधे शेयर खरीद लूँ उनका तो उसको क्या बोलेंगे भारत केस में बी या आई डियार. तो क्या बी भारत में विदेशी निवेश है नहीं बी एच डी आर भारत में विदेशी निवेश नहीं है भारत का विदेशी निवेश है मतलब भारत के निवेशकों ने दूसरे देश में पैसा लगाया है भारत में विदेशी निवेश का मतलब बाहर के निवेशकों ने भारत की कंपनी में पैसा लगाया है बात क्लियर हो रही है एडीआर जी डी आर का एडीआर so, का मतलब क्या तो ये कुछ तरीके हैं जिससे विदेशी निवेश आ सकता है तो मैंने अब तक आपको जो बताया कि गय, पहले तो ये कि गैर निवासी होना जरूरी है रिपेट्रेबल होना चाहिए कैसे कैसे पैसा आ सकता है शेयर में प्रायिकता शेयर में नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में जिसको परिवर्तनीय डिवेंचर भी बोलते हो परिवर्तनीय बॉन्ड कहा जाता है या परिवर्तनीय नोट्स हो सकते हैं ये स्टार्टअप के केस में होंगे या ए हो सकता है जी हो सकता है ये कुछ तरीके हैं जिससे आप निवेश बाहर से ला सकते हो अब सवाल ये है कि ये जो निवेश आएगा इसको भी हम फिर दो हिस्से में बांटते हैं एक जिसको आप कहते हो एफ एक जिसको कहते हो एफ एफ पी आई को समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए अगर कोई कहीं पैसा लगा रहा है जिसमें वो व्यवसायिक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहता है सीधे सीधे व्यवसायिक गतिविधि में हिस्सा लेना चाह रहा है तो आप उसको बोलोगे एफ और अगर कोई ऐसा पैसा लगा रहा है जिसमें उसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना है व्यवसायिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा वो तो उसको बोलेंगे एफ फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हालांकि ये दुविधा बार बार बनी रही कि एफडीआई किसको कहा जाए एफपीआई किसको कहा जाए इसीलिए इस दुविधा को दूर किया इस दुविधा को दूर किया अरविंद माया समिति ने अरविंद माया समिति ने एक परिभाषा बहुत अच्छी परिभाषा है अरविंद माया समिति कहती है कोई भी ऐसा निवेश जो किसी कंपनी के कुल कीमत का कुल कीमत को अंग्रेजी में यहाँ बोलेंगे फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस मतलब अगर आज कंपनी बिके तो उसकी कितनी कीमत आएगी किसी कंपनी के कुल कीमत का कुल कीमत का अगर निवेश 10 परसेंट से कम है बशर्ते वो कंपनी लिस्टेड हो क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो निवेश करोगे जब सिर्फ प्रॉफिट कमाना आपका पर्पज़ है तो आप किसी अरे गरे में क्यों लगाओगे तो एफ तभी कहा जाएगा जब लिस्टेड है कंपनी और दूसरा कि कुल कंपनी की कीमत का 10 परसेंट से कम में निवेश किया गया है तो अगर 10 परसेंट से कम निवेश और कंपनी लिस्टेड है तो उसे बोलेंगे एफ पी मामला यहां पर क्या हो गया Uh, आप कंपनी कम्प, लिस्टेड कंपनी में लगा रहे हो इसीलिए एफ पी आई किसके देख रेख में होता है से के देख रेख में जबकि मैंने आपको बताया एफ डी आई किसके देख रेख में होगा फिर एफ डी आई किसे कहेंगे कोई भी विदेशी निवेश जो एफ पी आई नहीं एफ डी आई है फुल स्टॉप अरविंद मैडम ने चार बातें कही अगर कंपनी नॉन लिस्टेड है एक भी डॉलर लगाया गया एफ पी आई एफ डी आई बोलेंगे उसको अगर एक सिंगल डॉलर एक रुपया भी लगा है उसको एफ डी आई कहा जाएगा अगर कंपनी नॉन लिस्टेड है अगर कंपनी लिस्टेड है और आपने 10 परसेंट से ज़्यादा का निवेश किया है तो उसको एफ कहेंगे क्योंकि कोई भी 10 परसेंट ज्यादा किसी लिस्टेड कंपनी का मतलब कम से कम 5000 हज़ार करोड़ की तो होगी कोई 500 करोड़ एक साथ क्यों लगाएगा सिर्फ प्रॉफिट कमाना होगा उसको तो अलग अलग नहीं लगाएगा वो तो अगर 10 परसेंट से ज़्यादा लगा रहा है तो एफ अगर दस से कम लगा रहा है कंपनी लिस्टेड है तो एफ होना चाहिए लेकिन ये वायदा है कि एक ही साल में इसको बढ़ा के दस परसेंट कर दिया जाएगा तो फिर एफ और अगर अगर जो है एक बार एफ है तो हमेशा के लिए एफ ये चार चीजें अरविंद मायाराम ने कहीं कि एफ बताता है तो इन जनरल आप समझिए कि एफ का दायरा बहुत छोटा है एफ क्या हुआ वो पैसा जो लिस्टेड कंपनी में लगा हो और 10 परसेंट से कम हो कंपनी की वैल्यूएशन का उसको आप एफ बोलोगे सिंपल सी बात है एफ पी इसीलिए कम होता है स्वाभाविकता हमारा कंसर्न कहाँ होना चाहिए एफडीआई पर एफ तो आता जाता रहेगा इसलिए मैं मैंने क्लास में अगर आपको याद हो तो लाइटर नोट पे कहा भी था एफडीआई को विवाह की तरह देखिए और एफ को कॉमन रिलेशनशिप की तरह वो वो घटता बढ़ता रहता है उसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं और इसीलिए एक बार विवाहित हो गए तो हमेशा के लिए विवाहित हैं वंस एफ इज़ ऑलवेज एफ तो वो जाहिर सी बात है ये एक वर्गीकरण है और इसीलिए देश भी एफ डी आई पर फोकस करता है कि एफ डी आई घटबड़ रहा है कि नहीं एफ पी आई आता जाता रहेगा निवेशक के जैसे भी मैंने आपको बताया कि परसों शाम को उनको समझ में आ गया अगर आप मार्केट को देखें तो तीन तारीख को चूंकि चार को तीन तारीख की दोपहर दो बजे दो से एकदम से एफ पी आई तेजी से आने लगे पैसा मार्केट में लगने लगा ये हमारा ही पैसा घूम फिर के आता है वो सब अलग बात है मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा निवेश आता है मॉरिशस से अब जाहिर सी बात है आप राउंड ट्रिपिंग कर रहे हो अपने पैसा घुमा रहे हो मॉरिशस में चूंकि कैपिटल गेन नहीं लगता इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि मॉरिशस वाले रूट से पैसा लगाए भारत में जितना एफडी आता है लगभग उसका छब्बीस परसेंट मॉरिशस से आता है म, मैप में ढूंढने नहीं मिलेगा मॉरिशस है कहाँ तो वो स्वाभाविक बताएगा कि ये हमारा ही पैसा घूम के आ रहा है खैर जो भी है जब आ, तीन तारीख की दोपहर में जब स्टॉक मार्केट रैली कर रहा था ऊपर की तरफ चार परसेंट के आसपास तभी एकदम से पंपिंग होना शुरू हुआ है एफ समझ में आ गया अब शॉर्ट पोजीशनिंग होगी उसी समझ में अब शॉर्ट पोजीशनिंग होगी अब ये समय है या तो बेच के निकल लो या फिर अब जो है वेट करो कि क्या करना है आगे समझदारी ये थी कि बेच के निकलो कल देखा जाएगा कल शाम को ख़रीद लेंगे तो परसों बेचने का दिन था कल ख़रीदने का लोगों ने उल्टा किया होगा ज़्यादातर जो कि परसों सोचोग खरीद लेते हैं और कल जो है फिर सोच रहे होंगे अच्छा देखते हैं क्या करना है एफ पी आई ने परसों से कल के बीच में ये इकतीस लाख करोड़ गया कहा ये फिर पहुंच गया मॉरिशस और कैपिटल गेन्स कुछ मिला नहीं अभी कुछ मूवमेंट होगा फिर आ जाएंगे वापस तो एफ पी आई का ऐसे ही है चलता रहता है इसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हमारा फोकस किस पे होता है एफ डी आई पर एफ डी आई किसको कहेंगे माया समिति ने कहा चार चीजें एफ डी आई बनाती हैं एफ पी आई समझ में आ गया लिस्टेड कंपनी में दस परसेंट से कम हो नॉन लिस्टेड कंपनी में एक भी डॉलर आया हो तो एफ डी आई आ, दस परसेंट से अधिक हो तो एफ और अगर जो है आ, दस परसेंट से कम है लेकिन एक साल में दस परसेंट कम कर दिया जाए कर दिया जाएगा तो भी एफ और अगर एक बार एफ है तो भी हमेशा के लिए एफ तो ये कुछ मानक हैं जो बताते हैं कि एफ क्या है एफ क्या है अब बात स्पष्ट होगी एफ किसे कहेंगे एफ किसे कहेंगे यहीं से आगे अगर हम बढ़ें तो एक चीज़ यहाँ पर और भी है जो इसको और बेहतर तरीके से समझाती है कि एफ पॉलिसी जो है भारत की तो एफ पॉलिसी कौन बनाएगा डीपीआईआईटी क्योंकि उनके अंतर्गत है एफ पॉलिसी जो है वो ये कहती है कि हम भारत में एफ को बढ़ाएं तमाम क्षेत्रों में जैसे अभी आपने देखा नई स्पेस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में स्पेस सेक्टर में एफ डी कर दिया गया है हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटिक एफ के बैंड होते हैं ट्वेंटी परसेंट फोर्टी नाइन परसेंट सेवेंटी फोर परसेंट सेवेंटी फोर परसेंट एफ का मतलब क्या हुआ कोई निवेशक चौहत्तर परसेंट तक पैसा लगा सकता है लेकिन कोई भारतीय कंपनी भी होनी चाहिए जो निर्णायक भूमिका निभाए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पिछले पिछले सेशंस में कि छब्बीस परसेंट एक मैजिकल नंबर होता है क्योंकि आपके बिना फिर निर्णय नहीं लिया जा सकता तो इस तरह से एफ डी में एफ पॉलिसी के अंतर्गत हम ये बेंचमार्क रखते हैं अगर मैं बीस ही एफ रख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या मैं नहीं चाहता कि कोई निर्णायक भूमिका में आए अगर मैं उनचास परसेंट रख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ निर्णायक भूमिका तो आओ लेकिन स्वामित्व तो मेरा रहे अगर मैं चौहत्तर परसेंट तक अलाउ कर रहा हूँ तो स्वामित्व की मुझे चिंता नहीं है मुझे चिंता इतनी है कि हमारा कोई आदमी निर्णायक भूमिका में रहे इसलिए अच्छा आ, अगर आप देखें तो स्पेस में हंड्रेड परसेंट एफ आपको ध्यान रखना चाहिए अभी हाल फिलहाल में टेली कम्युनिकेशन में हंड्रेड परसेंट एफ ऑटोमेटिक इंश्योरेंस में चौहत्तर परसेंट है ऑटोमेटिक चौहत्तर इंश्योरेंस भारत का एक उभरता सेक्टर है इंश्योरेंस बाजार जो है भारत का उभरता बाजार है इंश्योरेंस में चौहत्तर परसेंट एफ है पेट्रोलियम uh, में डिफेंस में कुछ क्षेत्र में हंड्रेड परसेंट एफ कुछ में हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट रूट्स एफ डी आई तो ये एफ पॉलिसी जो है भारत में एफ को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कोशिश है कि इस तरह से हम एफ को प्रोत्साहित करें अगर हम एफ की बात करें तो एफ के कुछ और प्रकार भी हो सकते हैं एफ का एक प्रकार होता है क्यू जिसको हम बोलते हैं एफ आई आई संस्थागत निवेशक कहा जाता है बड़े निवेशकों को तो जरा ध्यान समझिएगा इस बात को मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक है वॉरेन बफेट सेबी के पास रजिस्टर हो जाए और वॉरेन बफेट पैसा तो लगाएंगे नहीं वो लगाएंगे तो एक मिलियन दस मिलियन डॉलर पचास मिलियन डॉलर इस तरह से पैसा लगाएंगे तो ऐसे निवेशक को आप क्या कहोगे संस्थागत निवेशक कहाँ के विदेश के एफ आई आई तो ज्यादातर जो बड़े निवेशक जो किसी संस्था के अंतर्गत आए हों उनको आप क्या बोलोगे एफ आई आई तो मान लीजिए वॉरेन बफेट है जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ही हैं बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं मान लीजिए महेश्वरी हैं महेश्वरी बहुत सारे देशों में वहाँ के जो नियामक होंगे उनके पास रजिस्टर्ड होंगे और यहाँ से वो पैसा लगाते होंगे तो आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा देते हो ये लोग खूब बदमाशी करते हैं ये उस म्यूचुअल फंड वाली कंपनी से कहते हैं पैसा हमें दे दो हम आपको चार परसेंट रिटर्न देंगे और ये अपना पैसा लगा देते हैं वहाँ पर वैसे भी कहा भी जाता है जोखिम हो तो अपना पैसा ना लगाइए दूसरे का लगाइए प्रॉफिट अपना लीजिए सिंपल लॉजिक अगर जोखिम में अपना पैसा लगाया तो तो फिर आपने गलती कर दी फिर आपको निवेश नहीं आता जोखिम में दूसरे का पैसा लगाइए जोखिम में दूसरे का पैसा लगाइए वहां से प्रॉफिट कमाइए अब जाहिर में तो दूसरा पैसा क्यों लगाएगा ऐसे लोग हैं जो तीन तारीख को दिखाई पड़े थे ना क्या जो है इसीलिए कहा जाता है ना बाजार जोखिम में क्या अधीर है आपसे बार बार कहा जा रहा है कि इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है लेकिन आपको सिर्फ रिटर्न दिख रहा है कि बारह परसेंट रिटर्न है पंद्रह परसेंट रिटर्न है इसीलिए बार बार ऐसे भी कहता है भाई भ्रामक विज्ञापनों पे ना आए वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशक का भी एनुअल रिटर्न सत्रह अट्ठारह परसेंट ही है कुछ लोग स्टॉक मार्केट में सौ रुपये कमा लेते सोचते वॉरेन बफेट हो जाएंगे अब उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम वॉरेन बफेट हो जाएंगे है ना हजार एक लाख कमा ले तो फिर तो सोचेंगे हो ही गए अब तो है ना अरे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और इसीलिए ये ये आपके ग्रीड के साथ खेलते हैं मालूम है कि आपका आप कहा अपने आप को लूज कर दोगे उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि आप कहा तक बेंड हो सकते हो तो वो कोशिश होती है वो तरीका होता है ऐसे में जैसे वारन ब्रफेट है वारन बफेट ने अपना सबसे ज्यादा पैसा डेट में लगाया हुआ क्योंकि तो डेट सेफ है आपको पहले बताया निवेश का सबसे अच्छा विकल्प यही होता है कि आपको क्या करना चाहिए अपना मूलधन लगाइए डेट में वहाँ से प्रॉफिट कमाइए प्रॉफिट को लगाइए डेट में वहाँ से प्रॉफिट कमाइए उस प्रॉफिट को लगाइए म्यूचुअल फंड में या जहाँ भी आपको लगाना है और फिर वहाँ से जो प्रॉफिट है उसको हैजिंग करिए हैजिंग आप जानते हो हेजिंग किसको कहते हैं बैलेंस करने को तो आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे खैर अगर कोई विदेशी निवेशक ये, इस, इस दृष्टिकोण के साथ आपके सेबी के पास रजिस्टर हो जाए और पैसा लगाए तो इसको बोलेंगे एफ आई आई Foreign इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FPI कई का ही प्रकार है कई बार आपको FDI, FII लिखा मिल जाएगा किताबों में गलत नहीं है क्योंकि ज्यादातर FPI, FII ही होता है लेकिन आधिकारिक रूप से क्या है FDI और FPI? तो FII किसको कहेंगे कोई विदेशी निवेशक आपके यहाँ पैसा लगा रहा है और वो जो पैसा लगा रहा है वो सेबी के पास रजिस्ट्रीकृत है वो व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है सेबी के पास किसी ब्रोकर के माध्यम से और अगर वो व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए पैसा लगाता है तब इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स और वो गोपनीय रख रहा है तो मतलब कुछ चिंता की बात है अगर वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और पैसा लगा रहा है तो हम बोलते हैं इसको कि क्या है पार्टिसिपेटरी नोट्स पार्टिसिपेटरी नोट्स में जोखिम माने जाते हैं कि जोखिम हो सकता है पता नहीं कैसा पैसा हो कहाँ से पैसा आया हो इत्यादि इत्यादि तो इसको आप बोलोगे पार्टिसिपेटरी नोट्स पी कहा जाता है पार्टिसिपेटरी नोट एफ पार्टिसिपेटरी नोट बोलते हैं अगर कोई विदेशी निवेशक किसी ऐसे देश से आता है जो एफ का हिस्सा है और वहाँ से पैसा लगाता है छोटे मात्रा में तो उसको हम बोलते हैं क्यू एफ आई क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर क्यू एफ आई सो क्यू एफ आई हो सकता है पार्टिसिपेटरी नोट्स हो सकता है एफ आई आई हो सकता है एक और चीज़ भी है कि कोई विदेशी निवेशक आपके यहाँ पैसा लगाए ये कहते हुए कि वो जो है इस पैसे को आपके यहाँ कुछ दिन तक रखेगा तो उसको बोलेंगे एफ आई आई थ्रू वी आर आर या वॉलेंट्री रिटेंशन रूट एफ आई आई थ्रू वी आर आर तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से एफ पी आई आपके देश में आता है एफ पी आई का आना जाना लगा रहता है मैं फिर कहूँगा लेकिन अब मुझे जरा ध्यान समझिए और मुझे बताइए बात क्लियर हो रही कि नहीं भारत में अभी स्थिति ये है कि हम आयात अधिक करते हैं और डॉलर का या रुपए का अवमूलन हो जाने की वजह से भारत में स्थिति यह है कि हम आयात अधिक करते हैं और रुपए का अवमूलन हो जाने की वजह से वजह से आयात महंगा हो गया है आयात महंगा है ये एक बात है और दूसरा यही कारण है कि भारत एफपीआई को प्रोत्साहित कर रहा है क्योंकि अगर आप एफ को अपने यहाँ प्रोत्साहित करोगे तो आपके यहाँ डॉलर तो आ ही जाएगा सिस्टम में अगर आपके यहाँ सिस्टम में डॉलर आ गया तो रुपया आपका मजबूत हो जाएगा अगर सिस्टम में आपके डॉलर ज़्यादा आता है रुपया का कमज़ोर मजबूत होना मतलब क्या इसको सरल शब्दों में ऐसे समझिए आपको एक डॉलर की जरूरत है आपको सौ डॉलर की जरूरत है और डॉलर सिस्टम में है एस्सी तो आप ज़्यादा रुपया देना पसंद करोगे कम रुपया आप ज़्यादा रुपया देना पसंद करोगे किसी तरीके से डॉलर मुझे मिल जाए ताकि मेरा काम चल सके है कि नहीं तो जब भी व्यवस्था में डॉलर कम होगा तो आपका रुपया कमज़ोर होगा मजबूत होगा सिस्टम में डॉलर कम है और डॉलर की आवश्यकता अधिक है तो रुपया आपका कमज़ोर होगा सिस्टम में डॉलर ज़्यादा है और रुपया की या डॉलर की आवश्यकता कम है तो आपका रुपया मजबूत होगा ये बात लॉजिकल लग रही है इसको मैं हमेशा कहता हूँ एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं हमेशा क्लासेस में कहता हूँ मास्क का कि मुझे याद है कि एक समय मैंने मास्क दो सौ में भी खरीदा था क्यों क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि आज मास्क हैं कम और ज़रूरत ज़्यादा है तो लोग कोई भी कीमत देने को तैयार होंगे क्योंकि फ़्लाइट में एकाएक मैंडेटरी कर दिया गया था वो और फ्लाइट का टिकट छः हज़ार सात हज़ार का है तो लोग डॉलर उस समय मास्क हो सकता है उस दिन हज़ार रुपये में भी बिका हो मेरे पीछे मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं जब पहुंचा तो मैं देख रहा था कि उसके पास एक ही डब्बा बचा था मास्क का और कोई जो भी जा रहा है वो हर बार वैल्यू बढ़ा दे रहा है और लाइन लगी हुई है कोई कह रहा डेढ़ सौ रुपये मतलब सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये वैल्यू बढ़ा रहा है मैंने तुरंत एकदम से वैल्यू बढ़ा दी दो सौ अस्सी रुपये मैंने कहा कि मुझे मिल जाए बाकी मैं देखूँगा बाद में कैलकुलेट किया वैल्यू को मैंने उसके लिए नया बेंच भी सेट कर दिया है ना कि हाँ आप जाइए न उससे फ़ायदा क्या हुआ कि स्वाभाविक बात है क्योंकि मुझे मालूम है कि इस अगर मैं आज इस सौ रुपए के चक्कर में पड़ूंगा तो साढ़े छः हज़ार रुपये का वो नुकसान जो टिकट गया फिर अगली फ्लाइट बुक कराऊंगा साढ़े छः हज़ार रुपये मिले ना मिले अगली ट्लाइट और महंगी मिले ये सारा कैलकुलेशन मुझे लगा कि सौ रुपए एक्स्ट्रा देना ठीक है अब ऐसे मैं व्यापार करता हूँ मुझे कच्चा माल मंगाना है बाहर से और डॉलर मेरे पास है नहीं कच्चा माल आएगा नहीं तो मेरा बहुत नुकसान है तो मैं डॉलर के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाऊंगा अगर व्यवस्था में डॉलर कम है और आपको डॉलर की जरूरत ज़्यादा है और वैसा तब होगा जब आयात ज्यादा निर्यात कम तो व्यवस्था में डॉलर कम मतलब आपका रुपया कमजोर होगा क्योंकि आप डॉलर खरीदने के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार हो जाओगे और व्यवस्था में डॉलर ज्यादा तो आपका रुपया मजबूत होगा आज कोई दो सौ डॉलर मास्क बेचे दो रुपए ऐसी पैसे में ना खरीदू दो सौ अस्सी तो ज्यादा है स्वभाव स्वभाव था दो रुपए ऐसी पैसे में ना खरीदू बल्कि हो सकता है फ्री में कहे भाई साहब ले जा रहे हटाओ यार कौन का जो है स्वाभाविक रूप से व्यवस्था में अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसको समझिए इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल पूछा था कि भारत में आयात अधिक है जिसकी वजह से रुपया अवमूलित हो रहा है और आयात महंगा होता जा रहा है यही कारण है कि भारत ने फिलहाल एफ के निवेश को बढ़ा दिया है क्योंकि उससे डॉलर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा तो कम से कम रुपया जो हमारा है वो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा और आयात हमारा सस्ता हो जाएगा इसीलिए वो जो सवाल है आपने देखा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एफ डी आई आए क्योंकि ये ज़्यादा आएगा तो डॉलर वगैरह ज़्यादा आएगा तो इधर हमें लाभ मिल जाएगा एक लाभ तो ये कि निवेश तो आ ही रहा है दूसरा लाभ ये है कि ये हमें हमारे लिए ठीक हो जाएगा इसलिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि एफ डी आता रहे एफ में इसलिए पार्टिसिपेटरी नोट हम तब ओपन कर देते हैं जब एकाएक हमें लगता है कि डॉलर की ज़रूरत है तो हम कहते हैं आने दो देखा जाएगा जो रिस्क होगा है ना तो हम वहाँ पार्टिसिपेटरी नोट ओपन कर देते हैं और जब हमें लगता है कि डॉलर की बहुत जरूरत है तो पार्टिसिपेटरी नोट बंद कर देते हैं नहीं भाई साहब इस रूट से नहीं रजिस्ट्री कर, कराओ और फिर पैसा लाओ तो स्वाभाविक बात है जैसी आवश्यकता हो तो ये मोटी मोटी बात रही कि हाँ कैसे जो है एफ डी निर्धारित होता है बात स्पष्ट हो गई तो ये मोटा मोटा खांचा है निवेश का कि निवेश कैसे होता है दो मिनट लगेगा पर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा एक और चीज की अगर हम बात करें ऋण में तो ऋण में एक होता है संप्रभु ऋण संप्रभु ऋण का मतलब क्या भारत सरकार ने बाहर से कितना कर्जा लिया हुआ दूसरे मुद्राओं में वो द्विपक्षीय हो सकता है जैसे हमने जापान से कर्जा लिया हुआ है जैसे हमने अन्य देशों से कर्जा लिया हुआ है हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकते हैं आईएमएफ से कर्जा ले सकते हैं इन सबको आप कहाँ रखोगे संप्रभु ऋण में राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की के अनुमति से दो से के अंतर्गत बाहर से ऋण ला सकती हैं तो वो भी आपको जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आप अलग से दिखाते हो एक संलग्न के तौर पर तो संप्रभु ऋण का मतलब केंद्र सरकार का बाहर का ऋण वो यहां रखा जाएगा संप्रभु ऋण में अगर एकाएक हमें लगता है सरकार को एकाएक लगता है कि बॉस डॉलर की बहुत जरूरत है तो हम संप्रभु ऋण भी ले सकते हैं इसीलिए हमने गोल्ड वहां रखा हुआ था लंदन में कि अगर एकाएक हमें लगता है तो हम लोन ले लेंगे उस गोल्ड के सापेक्ष ताकि ये चीजें स्थित हो जाएं अगर भारत की कोई कंपनी चाहे सार्वजनिक हो चाहे निजी हो वो बाहर से उधारी लेती है तो उसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरइंग तो मान लीजिए एन है उसने बाहर से कर्जा लिया मान लीजिए टाटा है उसने बाहर से कर्जा लिया तो इसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जाहिर सी बात है बाहर का निवेशक चाहेगा कि या तो वो डॉलर में कर्जा दे या स्थानीय मुद्रा वो अपनी स्थानीय मुद्रा में कर्जा दे वो क्यों चाहेगा कि वो विनिमय दर का जोखिम उठाए इसको जरा समझते हैं मान लीजिए आपने मुझे सौ डॉलर कर्जा दिया मुझे मिला कितना आज एक डॉलर अस्सी रुपए का था तो मुझे कितना मिला आठ हजार रुपये और मुझे वापस कितना करना होगा आपको सौ डॉलर ब्याज के साथ और कल जब मुझे वापस करना था तो सौ एक डॉलर नब्बे रुपए का होगा तो मुझे कितना वापस करना होगा नौ हजार रुपये ब्याज के साथ ठीक मतलब विनिमय दर का जोखिम किसके ऊपर आया मेरे ऊपर और यही अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मुझे आठ हजार रुपये कर्जा दिया तो मुझे कितना वापस करना होगा आठ हजार ब्याज के साथ और आपको मिलेगा कितना सौ डॉलर से कम एक विदेशी निवेशक की हो होसियत से आप क्या चाहोगे डॉलर में ही पैसा लगाओ एक व्यवस्था और भी है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में एक व्यवस्था ये है वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है आई एफ के सहयोग से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से पैसा लाते हो आई के सहयोग से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से पैसा लाते हो तो वो पैसा आपको अपनी स्थानीय मुद्रा में मिलता है ऐसा वर्ल्ड बैंक देशों में निवेश बढ़ाने के लिए करता है अगर भारत में हमें रुपए में बाहर से विदेशी ऋण मिल जाए मतलब वो मुझे देगा सौ डॉलर लेकिन कागज़ में लिखा जाएगा मुझे मिले कितने आठ सौ आठ हज़ार रुपये मतलब मुझे आठ हज़ार रुपये वापस करने होंगे इसको बोलेंगे रिपी रुपी डिनोमिनेटेड या रुपए आधारित एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग भारत के केस में इसको नाम दिया जाता है मसाला बॉन्ड चाइना के केस में डुमसुम बॉन्ड जापान के केस में समुराई बॉन्ड इत्यादि ये नाम देता है आई इंडियन फाइनेंस जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है किसका वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड बैंक की एक संस्था आई एफ़ उसके सहयोग से आपको ऐसा क्यों करेगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अगर गारंटी ली है तो आपका रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है कि पैसा डूबेगा नहीं आई के सहयोग से अगर लिया गया तो मसाला बॉन्ड मसाला मतलब सब्जी वाला मसाला खाने वाला मसाला समझ मतलब लीजिएगा तो ना गुटका की बात नहीं हो रही है सब्जी वाला मसाला की बात है तो वो जाहिर सी बात है वर्ल्ड बैंक हर एक देशों को उनकी जो आर्थिक गतिविधि उसके आधार पर नाम देता है तो ये मोटा मोटा बात रही कि, कि किसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग बैंकिंग पूंजी के अंतर्गत वो पैसा आता है जो हमारे बैंकों के पास पड़ा हुआ है इसमें हम बैंकों से कहते हैं कि आप एक काम करो अपने यहां लोगों से अकाउंट खुलवाओ तो उसको क्या नाम देंगे फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट एफ अकाउंट भारत ने इस दिशा में एक स्कीम शुरू की उन्नीस में जिसको नाम दिया गया एफ सी एनआर ए इसमें आर बैंकों से कहता है आप अपने यहाँ जो ग्राहक है मान लीजिए एस बी सिंगापुर में तो सिंगापुर के ग्राहक से विदेशी मुद्रा लो हमें दे दो और जो भी आपका खर्चा आएगा हम देंगे और विनिमय दर का जोखिम भी हम ही उठाएंगे इसको नाम दिया गया एफ सी एन आर ए स्कीम उन्नीस से उन्नीस तक ये स्कीम रही उसके बाद आई एफ सी एन आर बी स्कीम जो उन्नीस से कार्यरत थी जिसमें ये कहा गया कि विनिमय दर का जोखिम आप उठाएँ आप उनसे पैसा लीजिए हमें पैसा दीजिए जो भी अतिरिक्त आएगा हम आपको ब्याज देंगे तो इस तरह से हम जरूरत पड़ने पर वहां से भी पैसा ला सकते हैं सामान्यता होता क्या है कि जब भी हमें लगता है कि रुपया हमारा कमजोर हो रहा है तो पहला चरण हम ये करते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग बढ़ा देते हैं कि इनसे कहते हैं आप और पैसा लाओ तो डॉलर ही लाओगे फिर हम एफ बढ़ाते हैं फिर हम बैंकिंग पूंजी पे काम करते हैं फिर बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं और तब काम ना आए तब हम आते हैं फॉरेक्स रिजर्व पर कि भाई फॉरेक्स रिजर्व को अब छेड़ा जाए और वहाँ से कुछ पैसा लाया जाए और वहाँ से भी काम ना चल पाए तब कहते हैं अब भुगतान संतुलन की समस्या आ गई तो ये मोटा मोटा एक तरीका है कि भुगतान संतुलन क्या उसके आयाम क्या होते हैं आई होप बात स्पष्ट रही गति बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं थी कोशिश था कि सारी चीज़ हम एक बार यहाँ पर इकट्ठा कर लें अगले सेशन में हम बात करेंगे कि भुगतान संतुलन की समस्या से वाकई क्या क्या उसके चरण होते हैं क्या है फॉरेक्स रिजर्व के घटक क्या होता आई आईएमएफ उसका क्या रोल है और फिर बात करेंगे एक्सचेंज रेट के बारे में कि क्या और थोड़ा सा बात वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में भी अनुदान अगर बिना किसी शर्त के है तो चालू खाते में सशर्त होगा अगर तो नहीं नहीं वो अगर पूंजीगत खाते के अंदर तो सशर्त हुआ सशर्त ही होगा तभी होगा नहीं तो अनुदान अगर वापस नहीं देना है तो आपका किसमें जाएगा वो वो जो है आपका आएगा चालू खाते में सो so, भुगतान संतुलन के पहले खंड में हमने बात करी कि भुगतान संतुलन क्या भुगतान संतुलन के दो मध हम समझ समझ पाए कि चालू खाता क्या पूंजीगत खाता क्या चालू खाता घाटा क्यों भुगतान के अंतर्गत व्यापार संतुलन में घाटा क्यों है आयात अधिक होने के क्या कारण है निर्यात प्रोत्साहन है तो क्या किया जा रहा है सेवा की क्या स्थिति है धन प्रेषण की क्या स्थिति है नेट ट्रांसफर की क्या स्थिति है दूसरी तरफ पूंजीगत खाते हमने समझा विदेशी निवेश किसे कहते हैं क्या आशय है जब बोलते हो सरकारी रूट और स्वचालित मार्ग क्या आशय है जब आप बोलते हो कि विदेशी निवेश के संदर्भ में क्या क्या उसके माध्यम हो सकते हैं आपने देखा शेयर हो सकता है प्रोफेंशियल शेयर हो सकता है कन्वर्टेबल बॉन्ड हो सकते हैं कन्वर्टेबल नोट्स हो सकते हैं ए हो सकता है जी हो सकता है एफ क्या है एफ क्या है इन सब चीज़ों को समझा गया संप्रभु ऋण क्या है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या मसाला बॉन्ड क्या बैंकिंग पूंजी क्या इन सब पे बात हुई तो जब किसी भी देश में चालू खाता घाटा की स्थिति बनती है मैंने आपको बताया कि चालू खाता घाटा का मतलब ये कि आपके पास डॉलर कम है और आपकी डॉलर की आवश्यकता ज़्यादा है आ, अगर आपका आयात कुल मिलाकर मान लेते हैं सब कुछ सारे घटकों को मिलाकर अगर आपका आयात 500 डॉलर का है और निर्यात 300 डॉलर का है सेवा इत्यादि को मिलाकर भी अगर कुल चालू खाता घाटा मान लीजिए 100 डॉलर का बनता है तो आपको ये चाहिए होगा अगर ये कहानी एक दिन की है तो आपको ये चाहिए होगा कि कम से कम आपके पास छ महीने का छ महीने का मतलब सौ डॉलर गुड़े एक सौ अस्सी इतना आपके पास जो है डॉलर पर्याप्त उपलब्ध रहे अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कहते हैं भुगतान संतुलन में स्थिति थोड़ी असमंजस की है ऐसे में स्वभावता हर देश को ये चाहिए होता है कि वो अपने पास एक विदेशी मुद्रा भंडार रखें इस विदेशी मुद्रा भंडार में वो अन्य देशों की मुद्राएं रखें इसके अलावा सोना चूँकि सब जगह इस्तेमाल होता है सोने को रखें और जो उन्होंने आई एम में पैसा जमा किया है जिसको आर टी पी कहा जाता है रिज़र्व ट्रांसपोजिशन उसको भी उसका हिस्सा बनाएं ओवरऑल तो जब विदेशी मुद्रा रिज़र्व बोलते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है तो उसको कौन देख रेख करता है आरबीआई इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं पहला इसमें विदेशी मुद्राएं होती हैं इसके अंतर्गत सोना होता है और इसके अंतर्गत आपके पास जो है तमाम जो आई के पास जो पैसा जमा है उसको उसका 25 परसेंट जिसको रिज़र्व ट्रांसपोजिशन या आर कहा जाता है भी सम्मिलित किया जाता है तो ये तीन चीज़ें मिलकर आपका जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसको बनाती हैं जब भी आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा जो पहला विकल्प होता है कि हम एक्सटर्नल कॉमर्शल बोइइंग को ओपन कर दें जैसे अभी हाल फिलहाल में हमें जरूरत पड़ी तो हमने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग को बढ़ा दिया हमने उसकी लिमिट बढ़ा दी और कहा अपनी कंपनियों से कि आप बाहर से ऋण लाओ उससे हमें फ़ायदा ये कि हमें डॉलर मिला हमें विदेशी मुद्राएं मिली और हमारी जो आवश्यकता थी वो ठीक हो पाई उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है हम एफ पी आई को बढ़ाते हैं क्योंकि एफ पी आई अगर आ गया तमाम क्षेत्रों में अब तो एफ पी आई जो है आप एफ पी आई आपको ध्यान है एफ पी आई किसे कहेंगे दस प्रतिशत से कम लिस्टेड कंपनी में आप एफ़ सरकारी बॉन्ड्स में भी अलाउ करते हो गवर्नमेंट बॉन्ड में भी एफ अलाउ होता है उसके दो मार्ग होते हैं एक मार्ग होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म फ्रेमवर्क जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किया जा सकता है हालांकि इसमें सीमा होती है छः परसेंट केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों में और दो परसेंट राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में लेकिन 2020 से हम अलग से एक व्यवस्था लेके आए हैं एक खास तरह की प्रतिभूति भारत सरकार जारी करता है जिसको एफ जितना मन करे खरीद सकते हैं इसलिए उसको नाम दिया जाता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट या एफ ए आर तो हम एफ पी आई बढ़ाते हैं कोशिश करते हैं कि क्योंकि आप जानते हो कि अगर रुपया कमज़ोर हुआ तो भले आयात की मात्रा उतनी ही हो तब भी आयात महंगा हो जाएगा अगर रुपया मजबूत होता है तो आपका आयात सस्ता होगा और भारत चूँकि आयात ज़्यादा करता निर्यात कम करता तो हमेशा चाहेगा कि रुपया थोड़ा मज़बूत वाले साइड पर ही रहे हालांकि आप ये भी जानते हो कि निर्यात ज़्यादा करना है तो हमें रुपये को कमज़ोर करना पड़ेगा ऐसा पहले भी किया जा चुका है उन्नीस में हमने जानबूझ के रुपये को कमज़ोर किया था चाइना की तो मौद्रिक नीति यही रही है कि वो जानबूझ के अपने रनमबी को कमज़ोर करते गए उनकी स्थानीय मुद्रा युआन या रनमिन भी जैसे आप पैसा रुपया बोलते हैं ऐसे बोला जाता है वो जानबूझ के अपनी स्थानीय मुद्रा को कमजोर करते गए अब स्थानीय मुद्रा को कमजोर करा निर्यात बढ़ा वो निर्यात अधिशेष में थे उनका चालू खाता अधिशेष में है तो निर्यात बढ़ा अब जब निर्यात बढ़ा तो और डॉलर आया और डॉलर आया तो उनका स्थानीय मुद्रा फिर मजबूत हो जाएगा क्योंकि तो आप जानते हो अगर आपके पास डॉलर ज्यादा आ गया तो आप कोई कीमत तो दोगे नहीं तो आपका स्थानीय मुद्रा मजबूत हो जाएगा तो वो क्या करते हैं इस डॉलर को जो एक्स्ट्रा है उसको किनारे करके रिज़र्व में ले जाते रिज़र्व में रख देते और फिर से स्थानीय मुद्रा कमज़ोर हो जाती उससे निर्यात बढ़ता फिर और डॉलर आता फिर उसको किनारे कर देते और इस तरह धीरे धीरे वो मार्केट से काफ़ी डॉलर अपने फॉरेक्स रिजर्व में इकट्ठा करते गए और एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास इतना रिज़र्व था कि वो आसानी से दूसरे देशों को कर्जा दे सकते थे जैसे श्रीलंका है जैसे पाकिस्तान है और उसका उन्होंने दूसरे तरीके से लाभ कमाया क्योंकि वो तो जानते थे कि ना तो पाकिस्तान ना तो श्रीलंका इस पैसे को कभी चुका पाएगा और इसीलिए उन्होंने नई तरह की शर्त रख दी कि भाई हम जमीन ऐसे कब्जा कर लेंगे या ऐसे जमीन ले लेंगे एक इसको डेट ट्रैप कहा जाता है तो फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है ऐसा उन्होंने किया है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व में तीन चीजें आती हैं मोटा मोटा एक जिसको आप कहोगे फॉरन करेंसीज हम हमारा कुल फॉरेक्स रिजर्व जो लगभग 630 बिलियन डॉलर के आसपास है अभी उसका लगभग 80 परसेंट अस्सी परसेंट आपका आता है विदेशी मुद्रा से उसमें विदेशी मुद्राओं में आप कौन कौन सी मुद्रा रखते हो अधिकांशता डॉलर है फिर यूरो है फिर जैपनीजन है इसके अलावा जिनसे हमारा मेन व्यापार होता है उन देशों की मुद्राएं भी हम रखते हैं हालांकि इन मुद्राओं को पूरा कैश में नहीं रखा जाता क्योंकि तो कैश में रखने में तो कुछ मिलेगा नहीं हम उन देश के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं आर उन देश का बॉन्ड खरीद लेती है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम उस बॉन्ड को उनके सेकेंडरी मार्केट में बेच दें तो उससे क्या है कम से कम जब तक हमने बेचा नहीं तब तक हमें कुछ कुछ ब्याज मिलता रहेगा तो ये समझने की बात है कि विदेशी मुद्रा भंडार में हम कैश नहीं रखते कुछ कैश रखते हैं अधिकांशता हम उन देशों का बॉन्ड वगैरह या उस देश की जो बढ़िया कंपनी है उनका बॉन्ड इनको खरीदते हैं खरीदते बॉन्ड ही है क्योंकि तो इक्विटी में तो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है तो उनके हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं कुछ सोना रखते हैं अभी आर के पास करीब करीब 840 टन के आसपास सोना है मात्र 840 टन जो है सोने का भंडार आर के पास है और जाहिर सी बात है ये जो है लगभग आपके फॉरेक्स रिजर्व का 10 परसेंट बनाता है और शेष जो धनराशि है वो आरटीपी के रूप में रखी हुई है और आईएमएफ की जो मुद्रा है एसडीआर उसके रूप में तो ध्यान रखिएगा जब भी विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं तो अक्सर आप दो ही चीजें सोचते हो विदेशी मुद्रा और सोना नहीं उसमें विदेशी मुद्रा सोना आर टी पी एस डी आर ये सब आपका जो है विदेशी मुद्रा भंडार बनता है बात क्लियर रही <coughs> 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 जब भी ऐसा लगता है कि हमें स्थिति थोड़ा चिंताजनक है तो हम क्या करते हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार का यूज कर सकते हैं यहीं पे हमें एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में अगर मान लीजिए आपने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग को ओपन किया फिर भी आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई अभी आपको और डॉलर चाहिए आपने एफ ओपन किया फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई आपने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग कर लिया फिर भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई अब आपके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है जो आपकी एक साल की आवश्यकता को पूरा कर सके एक साल तो छोड़िए एक हफ्ते की आवश्यकता को पूरा कर सके तब हम कहते हैं इस देश पर क्या आ गया एक समस्या आ रही किस चीज की भुगतान संतुलन की भुगतान संतुलन की समस्या आ रही है और भुगतान संतुलन की समस्या में आखिरी सहयोगी बनता है आपका आईएमएफ फिर आपके पास एक विकल्प आता है कि आप आईएमएफ से ऋण ले सको आईएमएफ की अगर हम बात करें आईएमएफ सामान्य परिस्थिति में ऋण नहीं देता आईएमएफ एम ऋण देता है कब जब भी भुगतान संतुलन की स्थिति आती है भुगतान संतुलन संकट आता है किसी देश में आईएमएफ बना 1944 में मैंने आपको बताया था ब्रिटेनवुड अधिवेशन के अंतर्गत ही बना और 1944 में आईएमएफ जो बना उसका हेडक्वार्टर बना वॉशिंगटन डीसी वाशिंगटन वॉशिंगटन डी उसका हेडक्वार्टर बना और आईएमएफ के अंतर्गत देखिए आईएमएफ पे सवाल हर साल आ रहे हैं और इस बार भी डेवलपमेंट है तो उसको ज़रा ध्यान सुनिएगा आई के अंतर्गत के अंतर्गत वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है 24 आईएमएफ के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये 24 लोग एक तरह से उसका व्यवस्था देखते हैं और अभी आप जानते हो कि जो है आ, 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 अगर हम बात करें आईएमएफ में आईएमएफ तो में जो प्रत्येक देश होता है सदस्य देश उसका जो प्रमुख होता है वो उसका एक तरह से बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर अभी आईएमएफ में 190 सौ 190 देश सदस्य हैं, 190 देश और ये जो 190 देश हैं, इन सभी के जो वित्तीय प्रमुख होंगे वो आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर बनते हैं। मतलब 190 बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं। अभी हाल फिलहाल में एंडोरा ने आईएमएफ को ज्वाइन किया है हर एक देश का आईएमएफ के पास एक कोटा होता है कोटा का मतलब क्या कि हर एक देश में मैंने आपको बताया आईएमएफ क्या करता है हर एक देश से कुछ मुद्रा लेता है एकत्रित करता है और उस मुद्रा को अपने कोष की तरह इस्तेमाल करता है ये जो कोष है आई का हर एक देश जो पैसा जमा करेगा उस कोष में मान लीजिए सारे दुनिया का मिलाकर आई का कोष मान लीजिए अभी फिलहाल की हम बात करें तो करीब चार बिलियन डॉलर के आसपास एस के आसपास तो मोटा मोटा अगर हम देख लें मान लीजिए आई का कुल मिला के कोष सौ डॉलर का है तो हर देश कितना जमा करेगा उसको उस देश का कोटा कहते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में कोटा चार चीज़ों पर निर्धारित होता है मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी कोटा को रिवाइज करने की बात की गई है दिसंबर 2023 में कोटा चार चीज़ों पर निर्धारित होता है पहला देश की जीडीपी कितनी है उसका 50 परसेंट भारांश है दूसरा देश की अर्थव्यवस्था का खुलापन कितना है ओपननेस ऑफ द इकोनमी उसका तीस परसेंट भारांश है देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव कितना है वेरिएबिलिटी कितना है उसका पंद्रह परसेंट भारांश है और उनके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है इसका पाँच परसेंट भारांश है भारांश उतना महत्वपूर्ण नहीं पर क्रम पता होना चाहिए किसका ज्यादा किसका कम इस आधार पर किसी भी देश का कोटा निकाला जाता है किसी भी देश का जो कोटा होता है लगभग उतना ही उस देश का वोटिंग अधिकार भी होता है क्योंकि हर एक देश को वोटिंग अधिकार एक बेसिक है प्लस कोटा पर आधारित है जैसे अमेरिका का सबसे अधिक कोटा है लगभग सत्रह परसेंट तो लगभग उतना ही उनका वोटिंग राइट है सबसे अधिक है अमेरिका का उसके बाद चीन का उसके बाद जापान का हमारी स्थिति आठवें नंबर पर है भारत अभी आठवें नंबर पर है तो जो भी किसी देश का कोटा होता है एक समय समय पर रिवाइज होता है इससे पहले जो रिवीजन हमने देखा ओवरऑल कोटे का वो 2016 में हुआ था आ, अगर हम देखें तो जो भी किसी देश का कोटा है मतलब आ, उतना ही लगभग उसका वोटिंग राइट है और आईएमएफ में चूंकि सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का है तो सबसे ज़्यादा वोटिंग अधिकार भी अमेरिका का है यह भी एक चिंता का विषय है क्यों क्योंकि आईएमएफ का नियम यह है कि कोई भी निर्णय पचासी प्रतिशत बहुमत से पारित होना चाहिए और आईएमएफ में सत्रह प्रतिशत वोटिंग अधिकार अमेरिका के पास है मतलब अमेरिका के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता यही वजह आईएमएफ एम सुधारों में बार बार कहा जा रहा है इस चीज़ को बदला जाए अभी हाल फिलहाल में निर्णय ये लिया गया है कि अनिश्चितता बढ़ गई है विश्व में बहुत सारे देश इस समय भुगतान संतुलन के कगार पर संकट के कगार पर हैं जैसे पाकिस्तान है ही है ऑलरेडी श्रीलंका है ही है कुछ एक और एशिया के देश हैं जिन पर लग रहा है कि भुगतान संतुलन की समस्या आगे यूरोप के बहुत सारे देश भुगतान संतुलन की समस्या में आ सकते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि क्यों ना भुगतान आई का कोटा बढ़ाया जाए जो भी वर्तमान कोटा है इसका लगभग डेढ़ गुना किया जाए कहें इसमें 50 परसेंट की बढ़ोतरी की जाए लगभग बन चुका है तो उसकी संभावना है अब ये जो किसी देश का कोटा होता है उस कोटे को मतलब उस पैसे को आई के पास आपको जमा कराना होगा उस धनराशि को कोई देश उसको कैसे जमा करा देगा इसका नियम भी आई देता है आई के नियमों के अंतर्गत किसी भी देश का जो भी कोटा होगा उसका 25 परसेंट उन्हें सोने के रूप में जमा करना होता है 1978 तक अनिवार्य रूप से सोना ही भेजना होता था स्पेशल हेलीकॉप्टर से सोना जाता था लेकिन जो है अब 1978 के बाद ये कह दिया गया कि अगर चाहें तो और विकल्प भी दिए जा सकते हैं इस 25 परसेंट को चूंकि सोना आप देते हो इसलिए इसको नाम दिया था गोल्ड ट्रेंच गोल्ड ट्रेंच क्योंकि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब जब भी चाहें इस पैसे को आई से मांग सकते हैं इसीलिए इसको रिजर्व ट्रांच पोजीशन या आरटीपी भी कहा जाता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे इसीलिए कहा कि आई में आर जो है वो आपके फॉरिक्स रिजर्व का हिस्सा बनता है आर आपका बढ़ सकता है अगर आप आई के कहने पर किसी और देश को डॉलर में लोन दो जैसे अभी हमने श्रीलंका को दिया तो उससे हमारा आर पोजीशन थोड़ा बढ़ा है आईएमएफ में 25 परसेंट आप सोने के रूप में दोगे और शेष जो 75 परसेंट है वो आप आईएमएफ के बताए गए नियमों के अंतर्गत देते हो जिसमें आईएमएफ आपको कह सकता है कि आप इसको ऐसे दीजिएगा ऐसे दीजिएगा सो so, शेष पचहत्तर प्रतिशत आप आईएमएफ के बताए गए नियमों के अंतर्गत दे रहे होते हो और इस प्रकार से अगर हम देखें तो आई में कुल आप पैसा जमा करते हो जो भी आपने पैसा जमा किया है उतना पैसा आपको कभी भी ऋण स्वरूप तुरंत मिल सकता है बिना किसी कंडीशन के इसीलिए इसको सेफ ट्रेंच भी कहा जाता है सेफ ट्रेंच इसके बाद अगर आपको पैसा चाहिए तो आई अपनी शर्तें रखेगा और ये शर्तें आपको माननी होती हैं और ये जो शर्तें आई की हैं इन शर्तों को आप जो है अगर हम आई के ऋणों की बात करें तो आई मोटा मोटा तीन बड़े प्रकार के ऋण देता है एक जो तुरंत आवश्यकता के लिए हो अगर आपको तुरंत अभी के लिए पैसा चाहिए तो उसको बोलते हैं रैपिड ऋण अगर आपको लघुकालिक के, के लिए चाहिए तो उसको बोलते हैं स्टैंड बाई अगर आपको दीर्घकालिक के लिए चाहिए तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड तो तीन तरह के ऋण होते हैं रैपिड स्टैंड बाई और एक्सटेंडेड आईएमएफ ऋण दो तरह के देशों को दो तरह से वर्गीकृत करता है एक वो देश जो जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है सिर्फ उनको मुद्रा की समस्या आ रही है उनको ऋण अलग प्रकार से दिया जाता है और एक वो देश जो जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है और अगर मुद्रा की दिक्कत आई तो उन्हें और दिक्कत हो जाएगी जैसे भी पाकिस्तान उस कैटेगरी में जा रहा है इसको बोलते हैं पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट या पीआरजीटी राष्ट्र पीआरजीटी राष्ट्र तो कुल मिला होता कैसे है अगर रैपिड ऋण अच्छी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश को दिया जाएगा तो उसको नाम देंगे रैपिड फाइनेंस रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी अगर उसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वालों को पी को दिया जाएगा तो उसे बोलेंगे रैपिड क्रेडिट जहां भी क्रेडिट शब्द हो मतलब ये पी को दिया गया है हालांकि यूपीएससी ने तो बच्चों जैसी चीज पूछी गोल्ड रेंज का संबंध किससे है रैपिड फाइनेंसिंग का संबंध किससे है स्टैंड बाई कहा जाता है कब जब लघुकालिक हो अगर अच्छी देश को दिया जाएगा अच्छी अर्थव्यवस्था वाले को तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट या स्टैंड बाई फंड और अगर कमजोर को तो स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी अगर अच्छी अर्थव्यवस्थाओं वालों को दीर्घकालिक दिया जाएगा तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और अगर कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वालों को दिया जाएगा तो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी तो इस तरह से छह प्रकार के ऋण जो है आईएमएफ द्वारा दिए जाते हैं जिस पर शर्तें लागू होती हैं आईएमएफ को के बताए गए निर्देशों को आपको मानना होता है आईएमएफ जो है एक और श्रेणी में भी ऋण देता है और वो श्रेणी है कि आपदा प्रबंधन इत्यादि के लिए उसके लिए आईएमएफ के पास एक अलग से फंड है जिसको नाम दिया जाता है कैटेस्ट्रॉफिक कंटेनमेंट एवं रिलीफ फंड ऐसे शब्दों की अनावश्यक हिंदी मत करिए इसको आप ऐसे ही समझें कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब दुर्गति सो कैटेस्ट्रॉफिक कंटेनमेंट कंटेनमेंट मतलब ठीक करना कैटेस्ट्रॉफिक कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट के अंतर्गत आई आपदा इत्यादि के लिए भी पैसा दे सकता है जैसे देखा इजिप्ट में यूज किया गया तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आई में भुगतान संतुलन आपदा या आपातकालीन स्थिति के लिए ऋण दे सकता है तो मोटा मोटा ये आईएमएफ के ऋणों का प्रकार हो गया आईएमएफ कैसे काम करता है अगर आई एम सशर्त ऋण देगा तो आपसे उम्मीद करेगा कि आप कुछ परिवर्तन अपने यहां लाएं इंडिया ने आईएमएफ से जो लोन लिया था 1991 की भुगतान संतुलन के संकट समय लिया था 1991 में इंडिया के पास भुगतान संतुलन क्योंकि हमारे पास एक हफ्ते की आवश्यकता के लिए भी डॉलर नहीं उपलब्ध रह गया था तब उन्होंने हमसे कुछ शर्त भी कहा था और एक शर्त में यह था कि आप विनिमय दर को अपना मार्केट के आधार पर करोगे आई एम ने हमें जो ऋण दिया था वो कैसा था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का हालांकि उसके बाद से हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो ये जो है मोटा मोटा आईएमएफ की बात रही कि आईएमएफ एम ऋण कैसे देता है आईएमएफ का कोटा कैसे निर्धारित होता है आईएमएफ के बारे में एक बात और समझनी है कि आईएमएफ की मुद्रा उन्नीस से लेकर उन्नीस तक डॉलर ही थी या यूँ कहें दसमलव आठ आठ ग्राम सोना थी लेकिन जब डॉलर ने उन्नीस में डिसाइड किया कि अब हम डॉलर के लिए सोना नहीं रखेंगे तब आई ने अपनी एक आभासी मुद्रा एक वर्चुअल करेंसी निकाली जिसको नाम दिया स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एस डी आर एस डी आर उस समय 18 मुद्राओं को मिलकर बनाया गया था बट 1999 में जब यूरो आया यूरो आया तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया आपका चार बड़ी मुद्राओं पर आधारित हो गया कौन सी चार मुद्राएं अमेरिकी डॉलर पॉन्स्टर्लिंग जैपनीजयन और यूरो ये चार मुद्राएं आपके एस का हिस्सा बनी 2016 में इसमें एक पांचवी मुद्रा भी जुड़ गई जिसको आपने नाम दिया रेन मेन बी चाइना की रन मेन बी और कुल मिला अब पांच मुद्राएं हैं जिसमें सबसे अधिक भारांश अमेरिकी डॉलर का है लगभग बयालीस परसेंट इसके अलावा दूसरे नंबर पर है आपका यूरो लगभग तैंतीस परसेंट तीसरे नंबर पर है रन मेन लगभग ग्यारह परसेंट चौथे नंबर पर है जैपनीज एन लगभग आठ परसेंट पाँचवें नंबर पर है पॉन् स्टर्लिंग लगभग आठ तो इस प्रकार से मोटा मोटा आपका एस के अधिकार निर्धारित होते हैं आ, कोई भी एस जो है ये एस हमेशा देशों के बीच में ट्रांजेक्शन में यूज होता है और आपके कोटे के आधार पर आपका एस भी एलोकेट किया जाता है एस को पेपर गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये वस्तुतः गोल्ड है एक एस डी आर इज स्टिल इक्वल टू पॉइंट एट एट ग्राम गोल्ड तो आ, अगर आपके पास आ, जो मिनिमम एस का एक नोट आता है वो टेन बिलियन का है तो टेन बिलियन एस का मतलब टेन बिलियन मल्टीप्लाइड एट एट ग्राम तो जितना भी टन निकल के आए उतना टन आपके पास एक तरह से सोना आपका रखा हुआ है कहीं तो मोटा मोटा जो है ये बात रही कि जो है क्या आशय है जब बोलते हैं पेपर गोल्ड एस डी की मुद्रा का एस डी आर आई कुछ प्रकाशन भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसके बारे में भी चूंकि आई किसकी बात करता है वित्तीय स्थिरता की तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करेगा आईएमएफ जारी करता है इसके अलावा आईएमएफ लगातार नज़र रखता है देश की राजकोषीय नीतियों पर इसलिए वो देश की राजकोषीय नीतियों पर भी रिपोर्ट जारी करता है पर आईएमएफ का जो सबसे चर्चित रिपोर्ट है उसको बोलते हैं जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो पूरे विश्व के आर्थिक परिदृश्य को बताता है हर छः माह पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट के रूप में इसको देखा जाता है अभी आप जानते हो इस साल के आखिर तक क्रिस्तनाला जी आर जीवा ही आई की अध्यक्षा हैं इंडिया से गीता गोपीनाथ वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं और जाहिर सी बात है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आईएमएफ का स्ट्रक्चर काफ़ी प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से काम करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो या फिस्कल पॉलिसी रिपोर्ट हो ग्लो हर एक देश की बड़ा अच्छा डाटा होता है हर एक देश की राजकोषीय नीति का जैसे भी बजट आएगा नई सरकार अपना बजट लाएगी तो तुरंत आई की तरफ से रिपोर्ट आएगा कि इंडिया की जो फिजिकल पॉलिसी है उसका क्या आउटलुक है कैसा है सही है कितना कितना अपेक्षाओं के अनुसार है इत्यादि इत्यादि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है इनफैक्ट मैंने जब भी आपसे कभी क्लासेस में उस डिस्कशन किया तो मैंने हमेशा आई के संदर्भ को लिया कि इस बजट में आई का क्या कहना था क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है कोई लोग कह सकते हैं सर ये तो देशभक्ति के विरुद्ध हो गया कि आई थोड़ा बताएगा हमें वो शोध है जिससे हमें एक अच्छा इनपुट तो मिल ही जाता है कि हमारी राजकोषीय नीति कैसी है किस तरह से होनी चाहिए थी तो मोटा मोटा ये कुछ बातें हैं जो आई के बारे में हैं आ, मैं फिर कहूँगा आई से जुड़े सवाल लोग पूछ रहे हैं इस साल के लिए कोटास रिफॉर्म से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं या आपसे हो सकता है कैटेस्ट्रॉफिक कंटेनमेंट के बारे में पूछ लें क्योंकि वो चर्चा में रहा है उसके अंतर्गत फंड दिए गए हैं कई देशों को पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे स्टैंड बाई अरेंजमेंट में पैसा मिल जाए हालांकि आईएमएफ चाहता है उसे स्टैंड बाई क्रेडिट में रखा जाए तो देखना होगा कि क्या जो है उसका रिजल्ट निकल के आता है तो ये कुछ बातें हैं जो आई को महत्वपूर्ण बनाती हैं अब बात स्पष्ट रही अगर आपके पास भुगतान संतुलन की समस्या आ गई आप आई से कर्जा लेते हो और कोशिश करते हो कि धीरे धीरे आप अपना फॉरेक्स रिजर्व ठीक करो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इस समय बहुत ज़्यादा है औस एक औसत हम देखें पिछले पाँच वर्षों में तो हम ठीक ठाक स्थिति में हैं मैंने आपको बताया लगभग छः बिलियन डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी है छः के आसपास अब इसमें कुछ देशों ने चिंता जताई है अमेरिका जैसे कुछ देश कह रहे हैं कि इंडिया भी कहीं चाइना के रास्ते पे तो नहीं जा रहा क्योंकि अगर हम अपने पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं तो हमारे पास एक फ्रीडम मिलेगी भारत चाहता है निर्यात को प्रोत्साहन देना अगर हमें निर्यात को प्रोत्साहन देना तो हमें कुछ समय के लिए अपने रुपए को कमज़ोर करना होगा पर रुपए को कमज़ोर करने के लिए चाहिए ये होगा कि हमारे पास पर्याप्त डॉलर उपलब्ध रहे कि अगर लगा कि रुपए के कमज़ोर करने से ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हम फटाक से डॉलर सिस्टम में ले आए और बी सिस्टम में डॉलर बेच दे और रुपया फिर से मजबूत हो जाए मतलब ये ठीक ये कैलकुलेटेड रिस्क जैसा है कि हम स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की लेकिन ध्यान रखेंगे कि ब्रेक पे पूरी नजर रहे जरूरत पड़ जाएगी तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे हमने ये एक्सप्लेनेशन दिया है लोगों को कि भाई अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का दौर है यूक्रेन युद्ध समाप्त तो नहीं हो रहा रेड सी में मामला फंसा हुआ और रेड सी में अगर कुछ और गड़बड़ हुआ तो हमारे लिए कच्चा तेल बहुत महंगा हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि हमारे पास पर्याप्त डॉलर रहे ऐसा ना हो कि उससे और ज़्यादा आयात महंगा हो गया पर जैसा भी है इंडिया इस समय फॉरेक्स रिजर्व को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ये सौ सो टन सोना मंगाना भी उसी में कवायद है उससे भी आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये जो है एक

तो मोटा मोटा ये बात रही कि हम कैसे भुगतान संतुलन के घटकों को या वाय क्षेत्रों को आई होप आपको बात स्पष्ट हो रही है कि आयात निर्यात में क्या चीज़ें इत्यादि इत्यादि यहीं पर एक बात और भी समझते हैं फिर कि ये सारा मुद्दा किस वजह से दो बातें यहाँ समझनी कि ये पूरी कहानी किस चीज़ की है फिर विनिमय दर की भी है कि डॉलर के सापेक्ष रुपया कितना मजबूत या कमज़ोर विनिमय दर का आशय होता है कि आपका मुद्रा विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में कितना मजबूत या कमज़ोर है विनिमय दर को हम दो हिस्से में देख सकते हैं एक जिसको आप कह सकते हो बाजार आधारित विनिमय दर एक दूसरे जिसको आप बोल सकते हो पीपीपी आधारित विनिमय दर क्रय शक्ति समता आधारित विनिमय दर क्रय शक्ति समता आधारित विनिमय दर कहा जाता है जब आप विनिमय दर को मतलब एक डॉलर कितने रुपए का इसको आप कहां पर देखें क्रय शक्ति समता में उसके लिए क्या करें वर्ल्ड बैंक क्या करता है करीब हज़ार वस्तुओं और सेवाओं का एक बंडल बनाता है इस बंडल की कीमत इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत आ, अमेरिका में कितने में और इंडिया में कितने में मान लीजिए अमेरिका में वो एक डॉलर में और इंडिया में बीस डॉलर रुपए में तो हम कहेंगे एक डॉलर बीस रुपए के बराबर इसको आप बोलते हो पीपीपी पी, पी, आधारित विनिमय दर ये हर तीन साल में एक बार निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा इसीलिए जहाँ तक आप देखोगे जब एच वगैरह गणना होती है तो पी पी की गणना होती है एच डी आई वगैरह में हम इसकी गणना को ज्यादा वरीयता देते हैं ठीक तो अब अगर हम बात करें तो ये जो पीपीपी आधारित विनिमय दर है इसका प्रयोग ज्यादातर विकासात्मक गतिविधियों में किया जाता है बाकी हम बाजार आधारित विनिमय दर को देखते हैं अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बाजार आधारित विनिमय दर में भी हम दो तरीके से देख सकते हैं एक होता है प्रभावी विनिमय दर और एक होता है डॉलर के सापेक्ष विनिमय दर अगर डॉलर के सापेक्ष देखें तो ऐसा हो सकता है कि डॉलर के सापेक्ष विनिमय दर कि मतलब एक डॉलर कितने रुपए का ये सरकार निर्धारित करे अगर किसी भी देश में विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं निर्धारित विनिमय दर या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जैसे चाइना में फिक्स्ड है चाइना की सरकार डिसाइड करती है कि एक डॉलर कितने बी का भारत में उन्नीस से लेकर उन्नीस तक हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में थे हमारा विनिमय दर फिक्स था जब एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होता है तो सरकार मान लीजिए किसी वजह से डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत है जरा ध्यान सुनिएगा और मुझे बताइए लाइन स्पर्ट हो रही कि नहीं अगर आपका विनिमय दर पहले से निर्धारित है कि एक डॉलर बीस रुपये का ही तो जब भी डॉलर की आवश्यकता बढ़ेगी तो सरकार को कहीं ना कहीं से ला के डॉलर सिस्टम में डालना पड़ेगा बा, बाहर से बा, डॉलर ला के सिस्टम में डालना पड़ेगा तभी व्यवस्था बन पाएगी एक अतिरिक्त बोझ बनता है निसंदेह यही वजह है कि हमने 1974 के आसपास अपना दृष्टिकोण ऐसा कर लिया कि हम डॉलर आसानी से उपलब्ध ही नहीं कराते थे लोगों को उससे क्या हुआ आयात कम हो जो कमज़ोर होने लगा जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां वो थोड़ी संकुचित होने लगी हम इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी हो गए और इसके लिए जिम्मेदार है एक नियम जिसको नाम दिया गया फेरा फॉरन एक्सचेंज जो है रेगुलेशन एक्ट कि विदेशी मुद्रा का नियमन किया जाए 1974 में और उसको बाद में आपने संशोधित किया 1999 में उसको नाम दिया फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का दौर आपके यहाँ कब से रहा 1947 से उन्नीस तक ये जो तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का दौर था जरा ध्यान सुनिएगा अगर फिक्स एक्सचेंज रेट में आप अपनी स्थानीय मुद्रा को मजबूत करें आप मुझे बताइए स्थानीय मुद्रा को मजबूत करेंगे तो आयात बढ़िया होगा कि निर्यात स्थानीय मुद्रा को मजबूत करेंगे तो आयात सस्ता हो जाएगा निर्यात महंगा हो जाएगा निर्यात को नुकसान पहुंचेगा अगर आप आयात को सस्ता करने के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा को आप मजबूत कर दें और आपका रेजीम फिक्स्ड है तो उसको कहा जाता है रुपए को रीवैल्यूएट करना और अगर आप रुपए को कमजोर करें ताकि निर्यात प्रोत्साहन हो सके तो उसको कहेंगे रुपए को डीवैल्युएट करना अगर विनिमय दर बाजार आधारित है कि बाजार डिसाइड करे कितने डॉलर की मांग है और कितना डॉलर उपलब्ध है तब उसको हम बोलते हैं बाजार आधारित विनिमय दर भारत ने उन्नीस से बाजार आधारित विनिमय दर का प्रयोग किया है अगर बाजार आधारित विनिमय दर है अगर विनिमय दर बाजार आधारित है और अगर रुपया कमजोर होता तो कहते हैं रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है या और अगर रुपया मजबूत होता तो हम कहते हैं रुपये का एप्रिसिएशन हो रहा है तो इस शब्द से अंदाजा लग जाता है डिप्रिशिएशन या डिवैल्यूएशन से ही जैसे हम कहेंगे चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्युएट किया भारत में रुपया डिप्रिशिएट हुआ क्योंकि भारत में बाजार आधारित है चाइना में निर्धारित एक्सचेंज मूल्य है हालांकि भारत में बाजार आधारित है लेकिन अगर रुपये में एकदम से विनिमय दर में परिवर्तन आने लगे जिसको अंग्रेजी में डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है जैसे मान लीजिए रुपया अस्सी रुपये का है एक डॉलर अस्सी रुपये का एक एक पचासी नब्बे पहुँच जाए या एक एक, एक पैसठ सत्तर पहुँच जाए दोनों ही साइड में अगर पैंसठ सत्तर पहुँचेगा तो आयात तो अच्छा हो जाएगा लेकिन निर्यात चौपट हो जाएगा अगर पचासी नब्बे पहुँचा तो निर्यात तो बढ़िया हो जाएगा लेकिन आयात बहुत महंगा हो जाएगा ऐसे में आर हस्तक्षेप करता है आर क्या करेगा जिन बैंकों के पास डॉलर होगा उनसे वो डॉलर ले बाजार में उपलब्ध करा देगा आर के पास अपनी फ़ॉरन डेस्क भी है तो वो क्या करेगा कहीं से डॉलर ला के, बैंकों को उपलब्ध करा देगा जिसको कहते हैं बाजार में बेच देगा अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है और आप उसको मजबूत करना चाहते हैं तो आरबीआई क्या करेगा बाज़ार में डॉलर खरीदेगा बेचेगा बाजार में डॉलर बेचेगा ताकि आसानी से डॉलर उपलब्ध हो सके और अगर हम रुपये को कमज़ोर करना चाहते हैं तो बाजार से आर डॉलर वापस ख़रीद लेगा तो इस तरीके से हम इस प्रक्रिया को स्टेरलाइजेशन बोलते हैं और अगर आर मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये कहे तो मैंने पीछे आपको बताया था इसको नाम देते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम या एम तो इस तरीके से विनिमय दर को मैनेज किया जाता है एक और विनिमय दर भी है जिसको आप बोलते हो प्रभावी विनिमय दर अरे बात स्पष्ट हो रही है प्रभावी विनिमय दर के अंतर्गत वो विनिमय दर आएगी जहाँ पर हम अपनी स्थानीय मुद्रा को जिन देशों से हम व्यापार करते हैं उनके सापेक्ष रखें जरा ध्यान सुनिएगा अगर हम रुपए को तराजू के एक साइड में रखें और दूसरे साइड में जिन देशों से हम व्यापार करते हैं उनकी मुद्रा को रखें और ये देखें कि रुपया घट बढ़ रहा है कि नहीं तो उसको हम कहेंगे प्रभावी विनिमय दर ये हम छः बड़े व्यापार करने वाले देश मुद्राओं से और 40 बड़े व्यापार करने वाले देश की मुद्राओं से रखते हैं तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या प्रभावी विनिमय दर छ और प्रभावी विनिमय दर चालीस इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 6 और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 40 बात स्पष्ट हो अगर ये आपका प्रभावी विनिमय दर आज की कीमतों पे कैलकुलेट किया जाए चालू कीमतों पे तो उसको क्या बोलेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या नीर एन ई आर और अगर ये बात जो है 2015-16 के को आधार वर्ष मानते हुए उस समय की कीमतों पर कैलकुलेट किया जाए तो इसको बोलेंगे रीर अगर नीर की वैल्यू बढ़ रही है रुपए की वैल्यू बढ़ रही है प्रभावी विनिमय दर में तो उसका मतलब नीर की वैल्यू बढ़ने का मतलब आपका रुपया मजबूत हो रहा है रीर बढ़ने का मतलब आपका रुपया मजबूत हो रहा है नीर बढ़े या रीर बढ़े आपका रुपया मजबूत हो रहा है और अगर रुपया मजबूत हो रहा है तो आयात को ए, के लिए अच्छा है बुरा आयात के लिए अच्छा निर्यात के लिए अच्छा है बुरा बुरा और आपकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी या कमी कमी तो अगर नीर या रीर बढ़ता है तो मतलब आपका रुपया आपके व्यापार करने वाले देशों के सापेक्ष में मजबूत हुआ है और अगर रुपया मजबूत हुआ है तो उसका मतलब आपके आपके आयात में बेहतर रहेगा आयात सस्ता हो जाएगा निर्यात महंगा हो जाएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी अगर यही आप चालू कीमतों पर देखें तो नीर और अगर ये चीज आप देखें 2015-16 के आधार वर्षीय कीमतों में तो उसको नाम देंगे रीर तो इस तरह से नीर और रीर और नीर और रीर के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि आपके यहाँ की मुद्रास्फीति आपके सहयोगी देशों की मुद्रा स्फीति में तेजी से बढ़ी है यहाँ एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा रीर की गणना पीपीपी -पी -पी आधारित होती है उसको परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित किया जाता है तो इस तरह से हम विनिमय दर की गणना करते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसे भारत के साथ एक द्वंद्व यह है कि हम एक तरफ तो चाहते हैं कि हमारा निर्यात बढ़े उसके लिए हमें रुपए को कमज़ोर करना होगा पर अगर हम रुपए को कमज़ोर करते हैं तो तुरंत हमारा आयात महंगा हो जाता है इसलिए हमें एक संतुलन बना के रखना है कि रुपए को कहाँ के आसपास लाया जाए कि आयात में भी बहुत नुकसान ना हो और निर्यात में भी प्रोत्साहन हो ऐसा करने के लिए कि आपके पास कंट्रोल रहे आपका फॉरेक्स रिजर्व का ठीक होना बहुत ज़रूरी है फॉरेक्स रिजर्व ठीक हो तब आप इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हो रिस्क ले सकते हो क्योंकि आप जानते हो कि अगर बहुत दिक्कत हुई तो हम खर्च से फॉरेक्स रिजर्व से ला डॉलर डाल देंगे तो ये जो है रीज़न है कि क्यों भारत फॉरेक्स रिजर्व को ज़्यादा रखना चाहता है इस पर सवाल बन सकता है क्योंकि बहुत सारे सवाल रेज किए गए हैं अब सवाल क्या बनाएंगे वो उन पर रहेगा बहुत कंसेप्चुअल कोई फैक्ट नहीं पूछेंगे कंसेप्चुअल रहेगा आपसे कंसेप्ट की उम्मीद की जाएगी कि आप उस कंसेप्ट को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो ये बात रही विनिमय दर की ये बात रही कि कैसे ये पूरा ताना बाना है एक चीज़ यहाँ पर और छोटी सी है कि एक शब्द अक्सर हम सुनते हैं रुपये की परिवर्तनीयता रुपये की परिवर्तनीयता से आशय ये है कि आपका जो रुपया है वो अगर आप किसी दूसरे मुद्रा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको आर से पूर्व अनुमति की जरूरत है या नहीं अगर आर से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है तो हम कहेंगे रुपया आपका कन्वर्टेबल है और अगर पूर्व अनुमति की जरूरत है तो हम कहेंगे रुपया नॉन कन्वर्टेबल है या अपरिवर्तनीय है भारत में जब विनिमय दर बाजार आधारित हो गया तो स्वभावता अब हमें रुपये को परिवर्तनीय बनाना था इस दिशा में एक समिति बनाई गई उसका नाम था तारापोरी समिति तारापोरी समिति ने पहले कहा कि चालू खाते को परिवर्तनीय करते हैं पर पूंजी खाते में थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि पूंजी खाते को पूरा परिवर्तनीय कर दिया तो आसानी से डॉलर आएगा लोग डॉलर रखेंगे डॉलर का उपयोग करेंगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं वर्ष 2012 तक हमने पूंजीगत खाते को भी पूर्णतः परिवर्तनीय करने की बात कही थी अभी स्थिति यह है कि भारत का चालू खाता पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है जबकि जो आपका पूंजीगत खाता है वो आंशिक रूप से परिवर्तनीय है अभी कुछ दिन पहले शक्तिकांत दास जी से पूछा गया था कि चाल कि पूंजीगत खाते में आपका क्या ओपिनियन है कब तक परिवर्तनी हो जाएगा पूरी तरीके से तो ने कहा देखिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं उसके कैनवस को हम जल्दीबाजी में नहीं है कि पूंजीगत खाता को परिवर्तनी कर ही देना है हम धीरे धीरे और उसको ओपन अप कर रहे हैं तो इस तरीके से हम देखें तो ये रुपए की परिवर्तनता की बात रही तो ये मोटे मोटे कुछ आस्पेक्ट्स हैं जो निर्धारित करते हैं कि विनिमय की क्या है वाह्य क्षेत्र तो आइए हाँ आप आपको भुगतान संतुलन समझ में आ गया विनिमय दर की बातें समझ में आ गई फॉरेक्स रिजर्व समझ में आ गया आई समझ में आ गया प्रभावी विनिमय दर का क्या रोल है इत्यादि इत्यादि ये सारी बातें आपको एक्सटर्नल सेक्टर का जो पी पी है और पी पी उसमें मिलेगा और आई वाली बात आपको मिलेगी एक अलग से उसमें चैप्टर दिया हुआ है वेरियस इंस्टीट्यूशंस करके विभिन्न संस्थान करके उसमें आई का जिक्र होएगा आज इसको हम यहीं रोकेंगे आ, अगले सेशन में हम बात करेंगे थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा डब्ल्यू के बारे में फिर आगे बढ़ेंगे कि कृषि क्षेत्र में क्या है और फिर समय के अनुसार अवसंरचना क्षेत्र और अन्य घटकों की बात की जाएगी आई होप आप आज के इस सेशन से लाभान्वित हुए मैं जानता हूँ कि लगातार सुनना थोड़ा कष्टदायक होता है लेकिन पूरा उद्देश्य ये है कि अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी इसको तेजी से भी सुन पाते हैं वन पॉइंट फाइव की स्पीड से भी तो कम से कम दिमाग में सारी बातें आ जाएं क्योंकि लास्ट मोमेंट के जो रिकॉल्स होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको बढ़िया तीन क्वेश्चन मिलेंगे और आसान क्वेश्चन मिलते हैं तुलनात्मक तो रूप से आसान रखे जाते हैं अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना गया जिस लाइन को लोगों ने बहुत डिफिकल्ट माना कि नीर जब बढ़ेगा तो उसका मतलब स्थानीय मुद्रा मजबूत हो रही है इसको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कहा गया था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे क्वेश्चंस को एवरेज करते हैं तो ये बात थी आई होप इस सेशन से आपको लाभ मिला अगले सेशन में हम वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू की बात पहले करेंगे वो भी महत्वपूर्ण डब्लू टी विशेषकर जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही हैं और फिर बात करेंगे कृषि संबंधित मुद्दे क्या हैं और फिर आगे अवसंरचना इत्यादि की बात होगी थैंक यू